Working in progress. Very good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Very good morning, Ram. Good morning. Good morning. Hitesh. Good morning, Deepakji. Good morning. Good morning. Sir, good morning. Good morning. Naresh, good morning, Janvi, ma'am. Rukhtaji. Good morning, Dipali. Can we have our video on, please? Can we have all of us our video on? Subha subha aaj commando, sixth day of commando training, and this is a big day for all of us. Let's have our video on. आज आपको पता नहीं बहुत सारी चीज ऐसी होने वाली है, बहुत सारी ऐसी शेयरिंग होने वाली है. गुड मॉर्निंग विजेता, आई कैन सी ऑन द स्क्रीन. गुड मॉर्निंग दीपाली पाटिल जी, रजनी गुड मॉर्निंग, रशीदा जी आप यहाँ पे उपस्थित हो, हमें बहुत अच्छा लगा. आपके आशीर्वाद से आज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं. गुड मॉर्निंग मैम, डिम्पी, उषा सिंह, पंकज सिंह, जितने लोग हैं अपने परिवार में भी जितने लोगों को आपने इनवाइट किया, अच्छी बात है. हस्बैंड वाइफ दोनों अटेंड कीजिए, आज का सेशन स्पेशल सेशन है. मिथिलेश जी गुड मॉर्निंग, कैलाश गुड मॉर्निंग, आबिल, आदिल, आदिल, आदिल इज देयर, महाजन, एच महाजन, आप जितने भी यहाँ पे लोग हैं, आई वुड रिक्वेस्ट अपना वीडियो ऑन करें. एंड मनोज जी स्वागत है आपका माउंट आबू से, गुड मॉर्निंग. ओके, सो सभी का स्वागत है. विदाउट नॉट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट वी स्टार्ट द सेशन. कैन यू ऑल सी मी, क्या आप सभी लोग मुझे देख पा रहे हैं? कैन यू ऑल सी मी ऑन द स्क्रीन? यस. ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन. इट्स सिक्स्थ डे ऑफ कमांडो ट्रेनिंग एंड यस वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी. आर यू रेडी? आई वांट ऑल ऑफ यू टू हैव एन एनर्जी ऑन अस face, yes, 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 and lots of pumping of lots of new energy today in this session is going to happen. Yes, I can see heart, Lakshmi, I can see heart on your face. Yes, thank you so much. See, 5 days 6 बजे लोगों को उठने की आदत नहीं थी, कुछ लोगों को नहीं थी, शायद कुछ लोगों को 5:30 बजे भी उठने की आदत थी. कुछ लोगों का फिक्स मॉर्निंग रूटीन था, एक्सरसाइज करना, जॉगिंग करना, सुबह उठ के तुरंत ही घर से बाहर निकल जाना, फिक्स शेड्यूल. देर आर मैराथन रनर्स हियर, देर आर जिम इंस्ट्रक्टर हियर, देर आर सो मेनी यू नो बॉडी बिल्डर हियर, एंड दे हैव देयर फिक्स शेड्यूल कि वो सुबह अपने लिए टाइम बिताते हैं. लेकिन यहाँ पे इस 6 डेज कमांडो ट्रेनिंग में हमने अपनी मेंटल एबिलिटी पे काम किया, मेंटल ट्रेनिंग पे काम किया. एक नई इंडस्ट्री में आने के बाद डेफिनेटली जब चेंज आता है, परिवर्तन आता है, तो आने वाले जितने रॉक सॉलिड ऑब्जेक्शन है, रॉक सॉलिड ऑब्जेक्शन, उनके ऊपर हमने काम किया. और कहीं ना कहीं एक स्टेज पर आकर ऐसा लग रहा है दैट यस, आवर टुगेदरनेस इज वर्किंग, आवर एनर्जी इज ग्रोइंग हाई, एंड वी हैव लर्नड अ लॉट. आई होप आप सभी लोगों ने इस 5 दिन जो हमने बिताए इसमें बहुत कुछ सीखा. कितने लोग इस बात से सहमत है दैट यस मैम वी हैव लर्नड इन लास्ट 5 डेज? इफ यू हैव लर्नड इट, आई वांट यू टू राइट इन अ चैट बॉक्स. आई वांट यू टू राइट इन अ चैट बॉक्स, यस मैम आई हैव लर्नड इट. आपने अगर सीखा है, आपको ऐसा फील हुआ कि यस दिस वॉज अ वैल्यू फॉर टाइम, वैल्यू फॉर योर एनर्जी, आई वॉन्ट यू टू राइट यस. बिकॉज जितना हम देर इज अ पावर ऑफ स्पोकन वर्ड एंड देर इज अ पावर ऑफ रिटन वर्ड. जब आप लिखते हो ग्रेट लर्निंग राजकुमार, यस राम किशन, राजेश परमार, यस मैम, यस मैम. मुझे यस मैम मत कीजिए, आई वॉन्ट टू से दैट यस मैम टू योर ओन लर्निंग. एंड लेट मी टेल यू, ऐसा कहा जाता है, वंस अगेन एज आई वॉज शेयरिंग यस्टरडे, जब 21 दिन हम कोई प्रोसेस पे लग जाते हैं, 21 डेज बिल्ड अवर हैबिट. इसके ऊपर ज्यादा आज हम बात करेंगे. आज का सेशन वी हैव इनवाइटेड अवर, इट इज अ बिग डे, यस एब्सोल्युटली इट्स अ बिग डे, अ मैन हु इज लीडिंग द इंडस्ट्री, अ मैन who has done wonders with people, a man in whose team, jiski team mein 50-60 lakh log to aise honge jo lakh rupaye se upar ki income le rahe, minimum lakh rupaye se upar ki minimum income bata rahi hu aapko. aise 50-60 lakh log unke team mein hai. kareeban zyada na sahi 300-400 logon ne bas apni gaadiyan khareed li, just 300-400 people. modi care mein aane ke baad apne senior executive director ke level ke baad कार फंड से 300-400 लोगों ने, शायद एग्जैक्ट नंबर तो वो खुद बताएंगे, इतने लोगों ने गाड़ियां खरीदी है
एंड बहुत ज्यादा ना सही करीबन 2000 के आसपास के लोग फॉरेन ट्रिप जाते होंगे 7 साल की मुसाफरी में हेल्पिंग 2000 पीपल टू ट्रैवल फॉरेन ट्रिप 7 साल की उनकी मुसाफरी में मे बी फर्स्ट ईयर वो ग्रॉस इनकम की बात करते हैं तो 6-7 करोड़ से कम की बात ही नहीं करते ईयरली ग्रॉस इनकम की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं इट इज जस्ट 6-7 करोड़ मैम तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे व्हाई आई कॉल इट अ बिग डे व्हाई आई कॉल इट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डे बिकॉज वी आर गोइंग टू लर्न एंड डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मिस्टर अल्पेश गज्जर ऑन टुडेज सेशन दूसरी और एक और बात क्योंकि आपने बहुत अच्छा काम किया 6 days consistently, सारे सिस्टम को फॉलो किया सी सुबह आना सुनना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था बट एक माइंड सेट बनाना कि यस वी वॉन्ट टू फॉलो द सिस्टम एंड वेन वी फॉलो द सिस्टम वी कैन हेल्प अवर एसोसिएट टू फॉलो द सिस्टम वी कैन हेल्प अवर न्यू पार्टनर्स टू फॉलो द सिस्टम सो विवेकानंद जी की बात से शुरुआत करते हैं कि मुरझाए हुए फूल खुशबू नहीं देते मुरझाए हुए फूल खुशबू नहीं देते खुशबू तो उन्हीं से आती है जो खिला हुआ होता है और मैं ऐसा मानती हूँ कि आज के हमारे कमांडोज खिल चुके हैं और अल्पेश जी को इम्प्रेस करने वाले हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट कमांडोज ट्रेनिंग 12 से 16 के बीच में वी हैव डिसाइडेड द डेट आपको पहले से एडवांस में बताना चाहूंगी 12th से 17 के बीच में हम करने जा रहे हैं अगले महीने 12 तारीख दैट वॉज अ फर्स्ट डे गोइंग टू बी कमांडो ट्रेनिंग We want 200 participants to attend that commando training. आपकी तरफ से जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने अपनी commando training खत्म किए, हम चाहते हैं हर व्यक्ति नए 10 लोगों को इस commando training में लेकर आएंगे. Are you ready for that? I want to ask you. Are you ready? Yes. I want to ask you one more questions. We have started this mission 50K. 6 months time में 50,000 रुपए क्रॉस करना और कैसे क्रॉस करना उसके बारे में हमको हमें आपको बताया था कि ऑन द लास्ट डे वी विल टॉक अबाउट 4x4 प्लान एंड 6x6 प्लान दो तरीके के प्लान हैं तो अब ये आपको कुछ जार्गन भी समझाए जाएंगे 4x4 क्या होता है 6x6 क्या होता है कुछ लोगों को कुछ नहीं पता कि सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए तो ये बेसिक बातें बहुत जरूरी है मैं लेकिन इस सेशन में आज के सेशन में आप सभी लोगों को कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लूंगी बट मैं जैसे आपको बताना चाहती हूँ कि दो तरह के प्लान है जब आप माइंड को फोकस करेंगे तो आप 4x4 के प्लान में या 6x6 के प्लान में अपने आप को ढाल पाएंगे जैसा आप कर पाएंगे उतना आप अपने सिस्टम में लोगों के पास करवा पाएंगे 4 नए लोगों को सिस्टम में लेकर आने का नाम है 4x4 प्लान और 6 नए लोगों को एवरी मंथ सिस्टम में लेकर आने का नाम है 6x6 प्लान जब हम रूटीन में हर महीना इस प्रोसेस को करते हैं शुरू में शायद एबिलिटी कम हो शुरू में कॉन्फिडेंस कम हो बिना नॉलेज के अप्रोच करना डिफिकल्ट हो लेकिन जैसे 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 इस 6 days में आपने लर्निंग की आपका कॉन्फिडेंस हो सकता है 10% 20% 50% बड़ा हो 60% बड़ा हो ऑटोमेटिकली आपके 10-15 कॉल के बाद वो कॉन्फिडेंस 10-fold होगा इसके साथ एक और इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ एवरी वेडनेसडे हमने लर्निंग डे रखा है वेडनेसडे को जहां दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे तक एसेंशियल स्किल का प्रोग्राम किया जाएगा एसेंशियल स्किल में इनवाइटिंग स्किल टॉकिंग टू पीपल रैपो बिल्डिंग फोन कॉल हैंडलिंग टेकिंग अपॉइंटमेंट्स 3-way calling ऐसे छोटे 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 टूल्स हैं जिसकी वजह से आप अकेले नहीं हो नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इंडस्ट्री यू आर नॉट अलोन नेटवर्क मार्केटिंग इज एन इंडस्ट्री सब कुछ आपको अपने दम पे नहीं करना है आप किसकी हेल्प ले सकते हो उसके लिए आई ओपनिंग रखना है आपको एक थोड़ी क्लैरिटी रखनी है कि हु आर द पीपल हु कैन हेल्प मी फॉर माय स्पेसिफिक मंथली 4 or 6 पीपल रिक्रूटमेंट तो आप कैसे हेल्प लोगे ओपननेस कैसे रखोगे हमें बचपन से ही देखा गया है कि इंडिविजुअल स्पोर्ट्स ज्यादा पसंद है काफी लोग हैं जो टीम स्पोर्ट्स में खेले ही नहीं है तो उसको यही नहीं पता है कि बैट्समैन के क्या वैल्यू है उसको ये नहीं पता है कि 1-to-1 रन करने वाले लोग कितने इंपॉर्टेंट है उनको शायद ये नहीं पता है कि फील्डर कितना इंपॉर्टेंट है उन्हें ये नहीं पता है कि अरे एक अच्छा विकेट कीपर मिल गया तो उसका क्या कमाल है तो हम सब लोग उसमें से एक एक चीजों को अपने अंदर है और बाकी की दूसरी चीजों को लेकर बाकी अपने टीम पार्टनर से लेकर उसके साथ काम करेंगे सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू वर्क एज अ टीम टूगेदर
दूसरी और एक इम्पोर्टेंट बात, जब आप इस सेशन को खत्म करें, आई वॉन्ट योर कमेंट इन अ व्हाट्सएप ग्रुप. हमारा जो 50K वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, इनर सर्कल है, जहाँ पे आप कमेंट डालिए, ताकि जो लोग आपकी टीम में से जो नहीं आ पाए हैं, डिसीजन नहीं ले पाए कमांडो ट्रेनिंग में आने के लिए, उनको भी हम एंकरेज करें. लेट योर बिजनेस इंस्पायर द वर्ल्ड, लेट योर एक्शन इंस्पायर द वर्ल्ड. एंड हम वी कैपेसिटेड में वी से ओनली वन थिंग, अलोन आई एम नथिंग, टुगेदर वी कैपेसिटेड. सो विद दिस गुड मॉर्निंग वंस अगेन, एंड लेट मी हैव अ लेट्स स्टार्ट विद अ 4x4 प्लान. और ओके, सो छोटी सी शेयरिंग करना चाहूंगी. जैसे एग्जैक्टली जैसे बताया गया है, 6:10 को हम इस सेशन को प्रोफेशनली शुरू कर रहे हैं और 7 बजे मैक्सिमम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें. आज का दिन इम्पोर्टेंट है, अगर 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो आप कुछ और प्रोसेस में जाइएगा मत. स्क्रीन को ऑन रख सकते हैं, अगर वीडियो बंद करना चाहे तो कर सकते हैं. मैं चाहती हूँ कि हम ये रिस्पेक्ट अपने अपलाइन को ना प्रोवाइड करें कि हम है सर आपके साथ, हम नहीं जाने वाले. तो 5-10 मिनट आगे पीछे हो जाए तो बहुत हड़बड़ी में क्विट मत हो जाना. ओके, सो मैं बकुल जी, आर यू देयर? बकुल सर इज देयर? ओके फाइन. सो सर मैं जल्दी जल्दी में 4x4 का प्लान एक बार अपनी तरफ से शेयर कर लेती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि फिर 6x6 का प्लान आप शेयर करें, क्योंकि आपका कन्विक्शन बहुत पावरफुल है इसमें कि 6x6 के प्लान में क्या कमाल हो सकता है. तो देखिए यहाँ पे ये टेक्निकली आपको दिखाया जा रहा है, ये 4x4 का प्लान है, ये 6x6 का प्लान है. फिर आपके अपलाइन के साथ बैठकर आप उस प्लान पे किस तरह से वर्क करना चाहते हैं, अपना थोड़ा मेंटल एनालिसिस करके उसके ऊपर काम कर सकते हो. सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू, आपको थोड़ा विजुअली नंबर्स देने के लिए, नंबर्स बताने के लिए कि इतने नंबर, इतने लोग, इतनी सिंप्लिसिटी से 1.5-2 लाख के इनकम तक पहुंचे जा सकते हैं, राइट? सो देखिए, आप कमांडो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे हैं, तो जब हम पीवीपीवी की बात करेंगे तो हमें ये समझना है कि आई एम इनटू बिजनेस टू मेक 50,000 रुपीज इनकम विद इन 6 मंथ्स टाइम, राइट? आर यू रेडी फॉर दैट? 6 महीने में हम 50,000 रुपए की इनकम के लिए यहाँ पर एक प्रोसेस के साथ, सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं. तो yes, आपका yes. जो पर्सनल पीवी है ना, वो मतलब मिनिमम नहीं होना चाहिए, इट शुड बी मैक्सिमम, राइट? आपका पर्सनल पीवी, उसे क्या होता है, जब आप 100 PV पे काम करते हो, अपना 100 PV करते हो, आप किसी को फोर्स नहीं करेंगे 100 PV करने का. ध्यान से सुनिए, आप किसी को 100 PV करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन आप खुद 100 PV करेंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं खुद कमांडो हूँ, हमने खुद ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि ये मेरा बिजनेस है. दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, जब थोड़ा बहुत सामान आपके हाथ में होगा तो रेकमेंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा. इज इट अ बिग इन्वेस्टमेंट फॉर अर्निंग लैक्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रुपीज? क्या ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है? नहीं. 100 PV का मतलब होता है करीबन आपका 5,000 रुपीज का शॉपिंग, जिसमें से 2-3 हज़ार रुपए का सामान अपने घर में आप खरीदने ही वाले हो, इस्तेमाल करने ही वाले हो, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा लॉट, एक्स्ट्रा सामान आपके पास है, उससे आप रेकमेंड इजिली कर पाओगे. जो प्रोडक्ट 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी में आप मंगवाना चाहते हो, ज्यादा क्वांटिटी में मंगवाएंगे तो वो आपके पास एक्स्ट्रा रहेगा. दूसरी बात ये तो अभी भी शुरुआत है. मैं ज्यादा आपको डिसीजन लेने के लिए, अपने आप इंस्पायर होने के लिए कहूंगी कि इससे ज्यादा जो भी आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप अपना एनालिसिस कीजिए, अपनी घर की दुकान कैसे खोलनी है, आपके पास कितना स्टॉक होना चाहिए, दैट यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन. बट हम अपना मतलब 100% देना चाहते हैं, हम 100% 5 लाख की इनकम क्रॉस करना चाहते हैं, हमने 100% अपना कमिटमेंट दिया है, तो फिर 100 PV क्यों नहीं. सो मेरे पर्सनल पीवी 100 PV होने चाहिए. मैं अपनी टीम में लोगों को एंकरेज कर सकता हूँ मिनिमम 46 PV करने के लिए. अब ये नंबर पकड़ के मत चलिए, अरे 46 ही क्यों बोला, 43 क्यों नहीं बोला, 51 क्यों नहीं बोला. ये एक एवरेज निकाला है, ये लॉजिकल शीट है जहां पे एक लॉजिक की बात की गई है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा. तो हम ये ब्लूप्रिंट बता रहे हैं आपको कि आपकी ब्लूप्रिंट इस तरह की हो सकती है. अगर आप 4 लोगों को भी रिक्रूट करते हैं और 46 पीवी अपनी टीम से कराते हैं, यहाँ पे 46 पीवी नीलम सर बहुत लॉजिकल एंड परफेक्ट है, तो 46 कहेंगे. मैं एवरेज पे बात करती हूँ, सो आई टॉक अबाउट 50 PV कि 50 PV मतलब 3,000 रुपए के आसपास की शॉपिंग. जब आप वेलनेस की शॉपिंग और सारी शॉपिंग देखते हैं, यस देखिए हो गया ऑन द स्पॉट 50 PV हो गया, करेक्शन इज मेड. सो आप अपनी टीम को 50 PV करवाते हैं तो आपकी टीम 20 लोगों की है,
जब आप पहले महीने में आप चार लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, आपका टोटल पीवी हो गया 300 PV और आपका ग्रुप पीवी हो गया, ग्रुप बीवी बिजनेस वॉल्यूम हो गया 8100 बिजनेस वॉल्यूम। आप अभी भी 7% के लेवल पे है, कंसल्टेंट के लेवल पे, लेकिन आपका चेक बनेगा 351 रुपए। यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ पे थोड़े नंबर समझ में आ रहे हैं? ओके फाइन। मंथ टू की बात करें, जैसे ही हम सेम प्रोसेस को देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अ डुप्लीकेशन। कैसे आप डुप्लीकेट कर पाते हो, राइट? सिंपल चीजें डुप्लीकेट हो सकती है, 50 PV डुप्लीकेट हो सकता है, कमांडो 100 PV के लिए अपने आप को तैयार कर सकता है ना। देखिए, ये 100 PV करना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 100 PV कंसिस्टेंटली करना इम्पोर्टेंट है। आपके अपलाइन का आपको कॉल नहीं जाना चाहिए, आपका बिल बाकी है, दैट इज नॉट अ कमांडो। कमांडो का मतलब होता है 1 से 5 तारीख के बीच में वो पहले अपना कर्तव्य अदा करेगा, वो पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो अपना काम पहले करेगा। सो मंथ टू में 16 लोगों का आपका टीम हो जाता है, आपका ग्रुप पॉइंट वैल्यू टेंटेटिवली 900 हो जाता है, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम 24,300 हो जाता है, 10% के लेवल पे मतलब सीनियर कंसल्टेंट पे आप पहुंच जाते हैं और आपकी इनकम 351 से 837 रुपए हो जाती है। कितने लोगों को ये बहुत छोटा लगता है? अरे 837 रुपए, 837 रुपीस। अभी आपको देख रहा है 351 के चेक से 837 रुपए के चेक पे आप दूसरे महीने में पहुंचे हो। नौकरी में ग्रेजुएशन के बाद, इंटरव्यू देने के बाद 15,000 रुपए से लोग 25,000 तक पहुंचने में करीबन 5 साल भी लगाते हैं, यस और नो? तो ये तो डबल से ज्यादा ग्रोथ है, 100% ग्रोथ दिख रहा है आपको। 351 का डबल होता है, उससे डबल से कुछ ज्यादा। तो ये इस तरह से आपको नेटवर्क मार्केटिंग में सोचना पड़ेगा कि मेरा ग्रोथ डबल हो रहा है। पहले मेरे साथ सिर्फ 4 लोग थे, वो भी मतलब बड़ी मेहनत के बाद जुड़े क्योंकि मैं नया हूँ सिस्टम में, लेकिन अब 16 लोग हो चुके हैं। अब तीसरे महीने की बात करें, अगर हम एग्जैक्ट फिगर पे काम करते हैं तो 64 लोगों का टीम बनेगा, आपका GPV 3300 PV होगा, आप डायरेक्टर के बिल्कुल करीब होंगे और 18,000 रुपए की आपकी तीसरे महीने की इनकम हो सकती है। अगर आप इसी प्रोसेस को करते रहे, चौथे महीने में आपकी 256 लोगों की टीम बनती है। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब पता चलता है, ये इनकम 18,000 से जब 73,000 होती है ना, तब पता चलता है व्हाट अ बिग जंप। ये जंप हमने शायद नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस ना किया हो, पर आई वांट टू टेल यू कि 73,300 रुपए की इनकम बनती है और ये पांचवें महीने में इसी सिस्टम के साथ फॉलो होता है, 1,000 लोगों की आपकी टीम बनती है, 2,91,000 रुपए की इनकम होती है। इसका मतलब देखिए, मैंने बड़ा आपको बिग प्रोजेक्शन दिया है, अब आप सोच सकते हो 4 महीने में 50,000 कमाना, 6 महीने में 50,000 कमाना क्या मुश्किल है? अभी मैंने छठा महीना यहाँ लिखा भी नहीं है, छठे महीने की इनकम 2,91,000 से डबल होती है। इसका मतलब जब आप बड़ा मतलब ज्यादा पे काम करोगे, मैक्सिमम पे काम करोगे, 50,000 इज मिनिमम बाउंड टू अचीव, उससे नीचे तो कोई जा ही नहीं सकता। सो दिस इज व्हाट अ 4x4 प्लान इज, जहां पे आप 4 लोगों को रिक्रूट करते हैं। लेकिन अब रिक्रूटमेंट की क्वालिटी, रिक्रूटमेंट का तरीका, आपका समझाने का तरीका, सिस्टम में सपोर्ट लेने की एकदम सिंसियरिटी कि मैं अपने अपलाइन का कैसे सपोर्ट लूँ, अपनी टीम एसोसिएट का कैसे सपोर्ट लूँ, अपनी मेंटल एबिलिटी पे कैसे काम करूँ, अपनी स्किल कैसे डेवलप करूँ, अपनी पॉजिटिविटी कैसे रखूँ, कितनी भी नेगेटिव एनवायरमेंट के बीच में मेरा फोकस कैसे रहेगा, वो सारी चीजें गोल सेटिंग में आती है। एंड दैट इज वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 6 महीने में 50,000 रुपए का इनकम क्रॉस करने का गोल सेट कर रहे हैं। I want to request Bakul ji to share a 6x6 plan क्योंकि उनका conviction बहुत powerful है sir. Your presentation is on the screen. Sir, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है. Make me co-host. Sir, आपकी आवाज. मुझे screen share करना है. उनको screen share. जी sir, screen share कर दिया गया है. स्क्रीन दिखता है मेरा? जी सर। चलो फ्रेंड, बिफोर आई बिगिन, मैं बताना चाहता हूं कि एक 4x4 का अच्छा है, 6x6 का अच्छा है, ऐसा हम लोग नहीं बता रहे। दैट इज नॉट द ऑब्जेक्टिव।
हर एक आदमी का पांच उंगली डिफरेंट है, तो किसको क्या जमता है किसको क्या नहीं जमता है वो अपनी चॉइस है, बट हम एज ए मेंटर कोच लीडर हम लोग ऑल्टरनेट्स बताते हैं कि आपको जो अच्छा लगा करो, आप ऑनेस्ट में तो आए ही है, पाव भाजी ऑर्डर करना पिज्जा ऑर्डर करना आपकी चॉइस है, बट आपका स्टमक फिल होना चाहिए 100 रुपया के अंदर, हमारा क्राइटेरिया वही रहता है। तो मैं एक स्कीम पे जो वर्क कर रहा हूँ मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ, मैं जो स्कीम के वर्क कर रहा हूँ वो है 6x6 का स्क्रीन। 6x6 का स्क्रीन मतलब क्या होता है, मैं बोलता हूँ कि आप ज्वाइन हो जाओ एक महीने में और आपके साथ में 6 आदमी खाली लेके आओ, 6 आदमी आपके साथ में ज्वाइन कराओ, हमारे मोबाइल में लाखों का डेटा है और 6 आदमी को मैं स्टार्ट करने के लिए बोलता हूँ कि खाली 26 PV का माल लो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, मतलब आपने 2000 रुपया का अप्रोक्सीमेटली मटेरियल लिया और आपके साथ में 6 जन जो ज्वाइन हुए उसको भी आपने 2600 रुपया का 26 PV का मटेरियल दिलवाया। रिजल्ट्स क्या होगा कि आपका पहला महीने का ग्रुप पीवी हो जाएगा 182 में आपको इनकम मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 350, मतलब आप 7% लेवल पे है और आप कंसल्टेंट माने जाते हैं, पहला महीना पूरा हो गया। अभी आपके साथ जो 6 आदमी जुड़े हैं वो 6 आदमी को भी आप ऐसे ही बोलो कि भाई आप इंडिविजुअली 6-6 आदमी लेके आओ, हर एक आदमी को 6 आदमी लाना डिफिकल्ट नहीं हो सकता है शायद, तो आपकी टीम हो गई 36, नया एडिशन हो गया, टोटल ग्रुप पे भी आपका 118 हो गया और आपकी मंथली इनकम या इनकम फॉर द सेकेंड मंथ हो गई 1800 रुपया, उसमें आप 10% लेवल पे पहुंच गए और सीनियर कंसल्टेंट बन गए। बस यहां मैंने ग्रीन मार्क किया है और यहां मैं रुकना चाहता हूं। मैं क्यों रुकना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप 6 आदमी तो 100% ला सकता हूं और वो 6 आदमी को पूरे महीने में मोटिवेट भी कर सकता हूं कि आप भी 6-6 आदमी लाइए और उसको 6-6 आदमी लाने में जो भी हेल्प चाहिए वो मैं उनको सपोर्ट कर सकता हूं। दैट मीन्स मुझे खाली 2 महीना काम करना है, तीसरे महीने में काम नहीं करूंगा, तीसरे महीने जो मेरी फर्स्ट लेवल है 6, मेरी जो फ्रंट लाइन है उनको मैं बोलूंगा कि भाई आप भी 2 महीना काम करिए जैसा मैंने किया, ऐसा आप 6 आदमी को काम कराइए और मैंने जो सीखा ग्रुप में से वो आप भी सीखिए। वो 6 आदमी के पीछे सेकंड मंथ में मैं जान लगा देता हूँ, ट्रेनिंग में, मेंटरिंग में, कोचिंग में, कंपनी की इंफॉर्मेशन शेयर करने में, बिजनेस प्लान थरली समझाने में, प्रोडक्ट कार्निवल में अटेंड कराने के, ताकि वो 6 आदमी 6 कमांडो मेरा खड़ा हो जाए मंथ 2 में। मंथ 2 का मेरा टारगेट है ये 6 आदमी कमांडो होना चाहिए और वो सेम एक्सरसाइज रिपीट करेंगे अगले 2 महीने, यानी अगले 2 महीने वो ये एक्सरसाइज रिपीट करेंगे, तो मेरी टीम में हो जाएंगे 216 जन और मैं कहलाऊंगा डायरेक्टर, क्योंकि मेरा ग्रुप टर्नओवर होता है 7000 के ऊपर, ये जीपीवी है, ये तीनों का टोटल मारो उतना मेरा क्यूमुलेटिव परचेस हो गया, तो मेरी इनकम हो जाती है 30,000। नेक्स्ट मंथ में उसकी नीचे की जो टीम है वो सेम काम करेगी, क्योंकि मैं कमांडो खड़ा करने का बिजनेस कर रहा हूं, तो नेक्स्ट मंथ में मैं सीधा प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होता हूँ, खाली 26 बीवी की गेम से प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर होता हूँ। सिंस प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर में क्वालिफिकेशन 3 महीना बाद में होगा, तो पहले मंथ में मेरी इनकम 1 लाख के ऊपर होगी और आगे कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कंटिन्यू खाली किया सिंपल, तो 3 महीना के बाद में जब भी मेरा क्वालिफिकेशन हो जाता है प्रेसिडेंशियल का तो मेरा व्हीकल फंड, होम फंड भी चालू हो जाता है, तो मेरी इनकम होती है 3 लाख। दोस्तों इसमें मैं समझाना आपको जो चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर यह है, बहुत शेयर किया, शेयर स्टॉप किधर से करने का, जो मैं समझाना चाहता हूं इसके अंदर वो ये है कि आप 6 आदमी लाइए, 6 आदमी को बेसिक क्वालिफिकेशन कराइए, 1500 से 2000 रुपए का घर में सामान बेचना बहुत सिंपल है, कोई ना नहीं बोलता है, एक बार एंट्री ले लेता है। सेकंड मंथ में वो 6 जन को आप क्लोजली मॉनिटर ऐसा करिए कि वो 6 जन को लगे कि यार अपने साथ तो लीडर खड़ा है, अपने साथ में अपनी अपलाइन खड़ी है और हर एक छोटा 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 स्टेप में वो हमें हेल्प कर रहा है, तो उससे 36 जन हो गए, बस आपका काम पूरा हो गया।
अपने छह कमांडो खड़ा किया, पहले महीने में छह किया, दूसरे महीने में उन्होंने छह छह किया तो 36 हो गया। अभी ये चीज जैसी रुचि ऑलवेज बोलती है कि आप कुछ भी करो जो डुप्लीकेट कर सकते हो, ये चीज 100% डुप्लीकेट कर सकते हैं, क्योंकि एक महीने में 6 दिन में हमने उतना ट्रेनिंग और कमांडो ट्रेनिंग सेट किया है कि अगले महीने वो सेम कर पाएंगे, उसके अगले महीने वही सेट सेम कर पाएंगे। और 2000 रुपया एक ऐसे अमाउंट है कि कोरोना के टाइम में भी किसको बोलते हैं कि भाई 1500 रुपया का सामान घर में रिप्लेस करो तो घर की दुकान चेंज हो जाती है। फ्रेंड मानिए एक चीज, जो पहला महीना भी वो 26 PV कभी भी नहीं होता है, वो आदमी 30-40 PV का सामान ले ही लेता है, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट देखता है और जब भी आप प्रोडक्ट कार्निवल दिखाते हो, आप 15-20-25 प्रोडक्ट उसको एक्सप्लेन करते हो, डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, तो पहला ऑर्डर शायद भले 1500 का हो पर दूसरा ऑर्डर वो 3000 का होता है, तो इनकम तो इससे बढ़ती है। आरके जो अभी स्कीम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आरके ये आपके लिए है कि बॉम्बे में आप रुचि को बुला रहे हो 3 दिन के लिए, और 3 दिन के लिए आप अलग अलग जगह पे सेमिनार करने वाले हो, तो आप 6 आदमी नहीं 36 आदमी नहीं 216 आदमी आपका तय हो गया आके। मैं आपको प्रेसिडेंशियल ऑलरेडी देख रहा हूँ, ऑलरेडी मैं आपको प्रेसिडेंशियल रूप में ही देख रहा हूँ, और मैं चल भी रहा हूँ कि आरके आगे निकल गया। मेरा अभी भी अहमदाबाद में मैंने इतना सेमिनार नहीं किया, बट यस विजन इम्पोर्टेंट है, लर्निंग इम्पोर्टेंट है, ट्रेनिंग इम्पोर्टेंट है। आई लर्न फ्रॉम आरके, जब भी वो मुझे कुछ फोन करके क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, आरके से सबको गाइडेंस लेना चाहिए। जो भी आज के दिन मैं बताना चाहता हूँ कि बॉम्बे बेस है या नियर बाई है, रुचि जब भी बॉम्बे 4 दिन के आ रही है, आरके इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है, आप अपने 1 आदमी से लेके 10 आदमी वो इवेंट में भेज दो, आपका ये 6-6 का गेम ऑलरेडी सेट हो जाएगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा। 6 कमांडो सेट करने का ये बिजनेस है। मैं मोदी केयर बिजनेस को 6 कमांडो सेट करने का बिजनेस कर रहा हूँ, और 6 कमांडो को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप खाली 26 पीवी का माल लीजिए। दिस इज माय वर्जन ऑफ हाउ टू बिकम सक्सेसफुल। हर एक आदमी का, हर एक लीडर का अलग वर्जन हो सकता है, कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, हर एक जन राइट है, हर एक जन रॉन्ग है। तो एंड स्पीच में करना चाहता हूँ कि डोंट कंपेयर ए स्कीम विद बी स्कीम, हर एक स्कीम बड़ी है, अपने को जो सूट होता है वो थोड़ा एडजस्ट कर लो, फाइन ट्यून कर लो, थोड़ा हल्दी डाल दो तो टेस्ट बढ़िया हो जाएगा, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और आंवला का जूस तो है, कल ही मैंने पिया, आज भी ऑलरेडी पी लिया। अब हर एक जन ने अपना अपना जो भी प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन किया होगा और आज यूज किया होगा, ऐसा मैं मान के रुचि को रिक्वेस्ट करता हूँ, टेक इट फॉरवर्ड। थैंक यू सो मच सर। वेरी सिंपल कि आपको अपना सिस्टम सेट करना है, ऑप्शन आपके पास है, आप अपने अपलाइन के साथ बैठकर कैसे प्लान पे काम करना चाहते हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। आप ₹1,00,000 फोकस कर रहे हो, 50,000 फोकस कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प करने के लिए फोकस कर रहे हो, इसके ऊपर क्या करना चाहिए अल्पेश जी हमारे साथ शेयर करेंगे। अब मैं इन्वाइट करना चाहती हूँ सर, कैन वी हैव अ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। मैं चाहती हूँ कि हमारे सारे नए एसोसिएट के साथ एक बार अल्पेश जी बात करें। सर आपकी प्रेजेंस के लिए पहले तो गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग सर, एंड बहुत बहुत धन्यवाद सर। 6 o'clock इन द मॉर्निंग, मैं जानती हूँ आपका रात का सेशन अगेन 8:45 का है, हम लोग उसको भी अटेंड करने वाले, हमने अनाउंस कर दिया टीम में, आपकी इन्फॉर्मेशन और आपका एक फोटोग्राफ पहुंच जाता है, पीपल आर रेडी कि यस ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वाइट करें। सो मैं सर्टिफिकेशन के इस प्रोग्राम में इंटरेक्शन विद चीफ, आज हमारा जो है इस इश्यू को, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, आई वुड रिक्वेस्ट नीलम सर टू प्रोवाइड मी सर्टिफिकेट ऑफ अवर पार्टिसिपेंट। सर ये 6 days कमांडो ट्रेनिंग कंप्लीटली अटेंड करने वाले लोगों का सर्टिफिकेशन है। कुछ लोग हैं किसी भी कारण की वजह से एक आध दिन उनका मिस हो गया, कुछ ट्रैवल कर रहे थे हो सकता है, जेन्युइन कोई रीजन की वजह से वो एक दिन मिस कर गए। सर हम सर्टिफिकेट तो दिखाएंगे लेकिन आपका इंटरेक्शन उनके साथ उसी दिन कराएंगे जिस दिन वो एक दिन वापस से अटेंड कर ले। सो कमांडो ट्रेनिंग का मतलब होता है एक कंप्लीट डिसिप्लिन पे काम करना, कहीं ना कहीं सबके लिए एक जैसा रोल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी के लिए पार्शियलिटी हो, नहीं ये मेरा फेवरेट है तो नहीं उसको करना चाहिए। सो वी विल हैव दैट मोमेंटम बिल्ट अप फॉर अ कमांडो ट्रेनिंग। लेकिन जिन्होंने सारे सेशंस दिल से अटेंड किए उन्हीं लोगों के मैं नाम बोलना चाहूंगी। सो पहले तो अच्छा एक एक्सेप्शन ये भी रखा, एक आध सेशन अगर छूट गया तो दैट्स ओके, बट सर्टिफिकेट उनके वो सेशन अटेंड कर लेने के बाद उनको हैंड ओवर किया जाएगा, दैट इज व्हाट वी हैव डिसाइडेड। सो मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऑन द स्क्रीन आबिद अली शेफी।
Abed, are you there on the screen? Abed Ali Saifi. Abed ji, welcome. Ji, thank you, sir. Abed ji, apna parichay dijiye. Ji, ji ma'am. मेरा नाम अब्दे अली है। अच्छा आबिद, आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो? नहीं, मैंने वीडियो ऑन नहीं किया है। कोई बात नहीं, अगर कर सकते हो तो करिए, तो आपको मैं स्पॉटलाइट कर सकती हूँ। हेलो जी। जी आबिद, कैसा लगा आपको सेशन? सर से बात कर सकते हैं आप। ओवर टू यू। कहाँ से भैया आप? जी सर, मैं हैदराबाद से हूँ। एमपी मध्य प्रदेश। ओके जी सर, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैम ने बहुत ज्यादा इंकरेज की हर चीज के अंदर, बहुत ज्यादा करी, हर सर ने भी हेल्प करी है इसमें। बहुत अच्छे से समझाया है जी। जी। Wish you all the best. God bless you, भैया। है ना? लगे रहिएगा। Everything is mindset actually. जब आपने believe कर लिया कि हो सकता है, तो definitely हो सकता है। और अगर हमने सोचा कि ये difficult है, क्योंकि ये reason है, तो of course ये difficult है। तो आपका mindset decide करेगा आपकी आगे की journey. मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उसको बनाए रखिए, क्योंकि वो है माइंडसेट आपके साथ है, तो जीत आपके साथ है। थैंक यू आबिद जी। आप आ जाओ, मैं कौन सा कोई है, जल्दी आओ। बाकी सभी लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपने आप को म्यूट करें, क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है बीच में। आई इनवाइट द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट फॉर द कमांडो ट्रेनिंग, अजय जैन सर, जो कि मुंबई से हैं। अजय जी, are you there sir? Yeah, I'm there. Yes, traveling back. Ji sir, aapki awaaz sunai de rahi hai sir. So it was a wonderful program and I see lot of people getting motivated. My downline, lot of people got motivated. And thanks to your team and Ruchi ji, and thanks to my upper upline, Mr. Bakul Parekh. अजय जी, अल्पे जी को कुछ कहना चाहते, कुछ शेयर करना चाहते? नहीं, बस उनका इंस्पिरेशन है, हम लोग काम करेंगे सर। कल हम मिले थे, अल्पे सर हम लोग कल मिले थे, और हाँ। अजय जी का जो कमेंट था, उन्होंने ये कहा था कि वी हैव आवर टॉनी रॉबिन्स विद अस। It was wonderful. I invite Anjana Makwana. Anjana ji, Anjana Makwana sir, Junagarh se hain, ek middle class parivar se hain, bahut enthusiastic hai. Bilkul kuch bhi nahi hone ke bawajood belief bahut powerful hai. Unke background mein, unke surrounding mein itna koi power nahi hai network marketing ko lekar, shayad bahut zyada inputs nahi hai, but apni belief powerful hai, demonstration karte hain. एंड बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है कि मैं करूंगी, बस आई वॉन्ट टू मेक माई लाइफ हियर। मैं डेफिनेटली मानती हूँ कि 50,000 रुपए की इनकम तो आसानी से क्रॉस कर जाएंगे। अंजना जी, हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अंजना मैम। हाँ, बस एक लक्ष्य रखा है जो आगे बढ़ना ही है, इस मोदी केयर में कंपनी में धूम मचानी है एक बार। जी, आप मचा दोगे, आपने बोल दिया सो हो गया। और मैं जानता हूँ आपका माइंडसेट बिल्कुल सही जा रहा है, और आपका एटीट्यूड, और मैंने ये भी नोटिस किया था उस वक्त कि आप जो काम करते हो वो खुशी से कर रहे हो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लोगों की तकलीफ ये है कि क्योंकि इसमें पैसा है, इसलिए इसको जबरदस्ती कर रहे हैं, और आप मोदी केयर को एंजॉय कर रहे हो। तो जितने लोग अगर ये कर पाए, तो मुझे लगता है कि ये आपका कहीं भी लक्ष्य को पहुंचने का फास्टेस्ट तरीका हो सकता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू। Thank you so much. I invite now Ashita Dani for the next certificate participant. Yes, Ashit, over to you. Mesh Rasi wale bahut log hai. Ashit ji, please welcome. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Sir, aap mere role model ho. My pleasure. और मैं यही चाहता हूँ कि जो आपने मतलब ये
पूरा इतना बड़ा टीम बनाया, ऐसा ही मैं टीम बनाऊ और ग्लोबल कोर्स का जो आप काम कर रहे हो अभी वही काम आप रिपीटेशन करूँ, डुप्लीकेशन करूँ टीम में और बनाऊ, जितना आपका नाम है उससे भी बड़ा नाम करूँ, क्योंकि मेरा नाम होगा तो लोग ऐसा सोचेंगे इनका लीडर कौन है, तो जरूर बोलेंगे अल्पेश गज्जर सर, रुचि मैडम है, तो मैं वही करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, प्राउड ऑफ यू। सो अमेजिंग आशीष सर, आई इनवाइट बकुल जी, बकुल पारिक सर, बकुल सर मैं आपके बाकी के एसोसिएट को इनवाइट आप करें ऐसा मैं चाहूंगी, क्योंकि आप सबको अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। बकुल पारिक सर, ओवर टू यू सर। या तू अल्पेश भाई कैमरा में फोकस फोकस आवी क्यों ना आवी क्यों यू अल्पेश भाई घोरा देखा जो घोरो ना देखा तो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। At the age of 64, a single passion is driving me, and that is to create legacy for my grandson. And I have been listening to Surekha, Alpesh, and Ruchi, all three videos, at least 45 minutes every day, and that is what motivates me. And that is what motivates me. Friends, I have with me, you know, badda apne kevai chhe ki apne paanch eva jan saathe rakho jena jeva apne thai. હું પાંચ જણ રોજ એવા જણ સાથે ફરું છું, એમાં છઠ્ઠા જણમાં ક્યારેક ક્યારેક અલ્પેશ ભાઈ આવી જાય છે, રોજ નથી આવતા, પણ પાંચ જણ મારી સાથે છે, એ પાંચ જણનું નામ લેવા માંગે છે, પાંચે પાંચ જણ મારા સિનિયર છે, મારા ગુરુ છે, મારા મેન્ટર છે અને હાઈલી રિસ્પેક્ટેડ લોકો છે। ફર્સ્ટ રુચિ ડોક્ટર, સેકન્ડ મિથિલેશ ચુગર, હિઝ એ પરફોર્મન્સ કોચ એન્ડ ટ્રેનર, ધેન ઇઝ દીપક મકવાણા, એક્સલન્ટ ટ્રેનર એન્ડ મેન્ટર કોચ ગાઈડ, fourth is Ajay Jain and fifth is Harish Mehta from Mumbai। ab panch mentor trainer coach sathe hu always hu chu ane maza aave chhe mane kaam karvani, and we have a mission to help people, we have a mission ke corona time ma loko ne 50,000 sud diji apne bahu aashirvad malse, kadach remdesivir nahi mule to chalse pan aashirvad to joise, and we are working on that project and we spend our time for that, money is by product 100% કન્વિન્સ કે આવશે। મારી સાથે મારા જેવા સિનિયર લોકોને પણ હું ઇન્વાઇટ કરું છું જે મારા ગ્રુપમાં હોય છે, મને બહુ મજા આવે છે, એમાં હું નામ લેવા માંગીશ પતંજલિભાઈ દેસાઈ, હું 64 તો એ 68 69, છતાં પણ મારાથી વધારે ડાયનામિક, મારાથી વધારે એગ્રેસિવ અને મારાથી વધારે સબ્જેક્ટ નોલેજ, યુ નો રિયલી ઇઝ એમેઝિંગ ટુ વર્ક વિથ પર્સન લાઈક દેટ। ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ નરેશ સોલંકી, નરેશભાઈ કોમ્પ્યુટરનો એક્સપર્ટ છે માણસ। Another group leader is Lubna Khan from Mumbai. એટલી મજા આવે છે એમની જોડે વાત કરવાની, સમજવાની, અને જ્યારે આપણને લાગે કે આપણે ટીમ મેમ્બરનું સબ્જેક્ટ નોલેજ આપણે ધારીએ છીએ એના કરતા સારું થતું જાય છે, વી રિયલી લર્ન ફ્રોમ ધેમ, આઈ લર્ન ફ્રોમ ધેમ, 110% સેટિસ્ફેક્શન મળે છે। જેવી રીતે મેં સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે છ કમાન્ડો, ઇફ યુ કેન મેક સિક્સ કમાન્ડો ઇન યોર ટીમ એવરી મંથ અને એ લોકો છ બનાવે, સાહેબ મારી આગળની ટીમના છ છ કમાન્ડો થી વધારે તો ઓલરેડી તૈયાર થઈ ગયા છે। મારી સાથે છે ધ્વની સોની, હાઉસવાઇફ, કેક મેકર, પણ એક્સલન્ટ ડેડિકેટેડ, આવી બધી ટીમ। મારી સાથે છે આરતી, ન્યુ મુંબઈથી 20-22 વર્ષની છોકરી જેને જિંદગીમાં નેટવર્કિંગ નથી કર્યું, બિઝનેસ નથી કર્યો, આજે એ અલ્ટો વિચાર કરતી થઈ ગઈ છે, અને એટલા માટે કે એને કન્વિન્સ છે કે આ વસ્તુ ચાલશે, એ કન્વિન્સ છે કે આ વસ્તુમાં મજા આવશે અને કન્વિન્સ છે કે આ વસ્તુ રિઝલ્ટ આપશે। કદાચ હું કોઈનું નામ ભૂલી ગયો હોય તો આઈ એમ સોરી, માફી માંગુ છું, પણ વોટ વી નીડ ફ્રોમ યુ અલ્પેશભાઈ ઇઝ મહિનામાં એક વખત 10-15 મિનિટ અડધો કલાકનો તમારો એક બુસ્ટર સેશન। કોરોનામાં પણ બે ઇન્જેક્શન તો લેવા પડે છે, એક વેક્સિનેશન થી કામ નથી થતું, ભલે રોજ અમે આમળા લઈએ અને હળદર લઈએ પણ છતાંય વેક્સિનેશન તો લેવું પડે। રુચિ અમારી માટે આમળા અને હળદર બંનેનો રોલ પૂરો કરી દે છે, પણ અમે મહિનામાં એકાદ વાર તમારી પાસેથી ચોક્કસ આખા ગ્રુપ પરથી હું કહી શકું કે 15-20 મિનિટ એન્ડ વિથ વન યુનિક આઈડિયા, કે સમથિંગ ધેટ વિલ ક્લિક ઓર સમથિંગ ધેટ ક્લિક ફોર યુ ઓ ઇન યોર જર્ની ઓફ મોદી કેર ઓર યોર સમ એક્સપિરિયન્સ વિથ ઇન્ટરેક્શન વિથ યોર સિનિયર ઓર યોર જુનિયર વિચ મોટિવેટેડ યુ ફર્ધર, એ બધા જ તમારા લાઈવ એક્ઝામ્પલ અમને નાના નાના કસ્સે ને કસ્સે કામ લાગશે જી, અને થેન્ક યુ સેરી મચ ફોર ઓલ યોર સપોર્ટ।
बहुत अच्छा था परीक साहब, पहली बात तो ये है इतना सरल था, मतलब एक रुचि मैम ने भी अच्छा समझाया, नॉट एट ऑल, वो ऐसी बात नहीं है कि भाई उनका ठीक नहीं था, लेकिन आपका बहुत बेहतरीन था। अगर मुझे कोई मौका दे कि मुझे अपनी टीम में प्रेजेंटेशन करवाना है तो मैं आपको सिलेक्ट जरूर करूंगा, क्योंकि बड़े सरल गए आप। एक लेमन आदमी जो आज शायद पहली बार ट्रेनिंग में बैठता है उसको भी ये बात समझ में आएगी क्या कहना क्या चाहते हो, और ग्रेट प्रेजेंटेशन। आप भी मुझे लगता है आप ट्रेनर ही होंगे शायद, मैंने आपके बारे में ज्यादा नहीं जाना लेकिन छोटा मोटा ट्रेनर हूँ, बढ़िया। आपका जो वे ऑफ टॉकिंग था वो समझ में आ रहा था, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आपके लिए तो ये 6-6 नहीं, अगर आप 600-600 की भी लाइन बनाएंगे तो आसान रहेगी। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर। सो नेक्स्ट इज आफ्टर बकुल परीक सर, वी इनवाइट फॉर सर्टिफिकेशन कैलाश चोटानी। कैलाश जी, कैलाश मैम आप छो त्या? अमरेली गुजरात थी कैलाश मैम छे। सर ये स्कूल टीचर हैं और जूम की मीटिंग से पहली बार उन्होंने इस तरह से कुछ प्रयास शुरू किया है, बट पूरे आओ कैलाश मैम। हाँ तमे बोली सको छो, तमे बात करी सको छो सर सामे छे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं कैलाश चौथानी अमरेली से बात करें, गुजरात से अमरेली से जी। मुझे सेक्शन बहुत अच्छा लगा जिन्हें मुरुची मैम ने जो 16 में जो कहा, बहुत ही मुझे अच्छा लगा। मैं आगे बढ़ने की पूरे पूरी कोशिश करूंगी जी। और उसने जो जो सेक्शन में कहा वो मैं सभी डेली को रीडिंग करती हूँ, और मेरे मैम है जो वैशाली चौहान वो मुझे पूरे पूरे सपोर्ट करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। भविष्य बना रहे हो, अब आर्थिक भविष्य भी बनाओ लोगों का अमरेली में। ओके जी, गॉड ब्लेस। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। मैं नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूंगी दीपक मकवाना सर को। दीपक जी सिक्स मारते हैं। वो सेवन हैबिट्स ऑफ स्टीफन कोवे की किताब से शुरू करते हैं और स्पीक एंड स्पान की बात करते हैं, एंड दैट्स अमेजिंग। ऑनेस्टली बहुत अच्छा लगता है सर। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। जयंत सर, कोई बंदा सर जब नाव लेके समंदर में निकल पड़ता है ना, तो दिशा के लिए उसके पास दो ही सुविधाएं होती हैं। दिन में वो सूरज देख करके अपनी दिशा तय करता है कि मैं सही मंजिल पे पहुंचने के लिए सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, और जब अंधेरा हो जाता है रात को तब वो ध्रुव के सितारे को, ट्रू नॉर्थ को देखता है सर। तो हमारे लिए दिन के जो सूरज हैं वो रुचि एंड नीलम है, और जब कुछ भी नहीं दिखता है हमें तब अल्पेश गज्जर इज देयर एज अ ट्रू नॉर्थ। सो थैंक यू फॉर बीइंग आवर ट्रू नॉर्थ सर। जय हिंद। थैंक यू। तो ट्राई करेंगे आपकी तरह बोलने का। Amazing. So I invite now next participant for the certification, that is Dipali Patil. Dipali Patil Mumbai से है। Dipali जी आप हो यहाँ पर? Dipali Patil एकदम सरल housewife, बहुत हंसती है, उनका चेहरा इतना खुशनुमा है, हंस के ही बात करते हैं, and she is so beautiful. And Dipali जी आप अपना video on कर सकते हो, आपका सर्टिफिकेशन का टर्न आया है। विजेता मैम को जाना है स्कूल में, तो आप उनको बीच में। तो विजेता जी नेक्स्ट टर्न इज योर, जस्ट कीप योरसेल्फ रेडी। दीपाली जी, यस दीपाली, वेलकम। दीपाली जी सुनाई दिखाई दे रहे हो आप बोल सकते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। क्या बोलूं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये आपको कैसा लगा कमांडो ट्रेनिंग? हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया है कमांडो ट्रेनिंग। आपका घर अच्छा है? आपका घर अच्छा है? हाँ मेरा घर नहीं है। अच्छा। मैं गांव आई हूँ। अच्छा ओके। मुझे आगे बढ़ना है बस इस पे। डेफिनेटली आप बढ़ जाएंगे। हाँ चाह वहाँ रहा।
अब जहाँ चाह वहाँ राह, अपना फेथ अपना विश्वास बनाए रखिएगा, बाकी पहुंचना अपने आप हो जाएगा। विश्वास तो मैं बस इसमें इसमें आगे बढ़ना है, इसमें बहुत अच्छा बहुत बड़ा काम करना है मुझे जी। अभी जब मिस्टर असित अदानी ने ये बोला कि मैंने बड़ी टीम बनाई, तो मैंने बड़ी टीम नहीं बनाई, मैंने अपने रोज को फोकस किया एवरीडे, मैंने कभी बिलीफ को हिलने नहीं दिया, और मेरी हर एक सेकंड जो मुझे मिली, सेकंड हर एक मोमेंट मैंने उसको सही दिशा में यूटिलाइज किया, टीम अपने आप बन गई। तो मैं सबको यही बोलना चाहूंगा कि आप ये मत सोचो मैं 5 लाख की टीम बनाऊ, आप ये सोचो कि आज का दिन मेरे पास है उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये देते जाइए। बस मैं टीम बनाने लेती हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये नहीं है, इसे नहीं लेना, इस पर इसको इस पर ले नहीं लेना, ये नहीं लेना, वो नहीं लेना, हम सब कुछ हम ले ले देते हैं, ऐसे कैसे हम बनाए, ऐसे बोलते हैं, तो कैसे बनाए हमें टीम? आप बिल्कुल नए हो इसका मतलब? हाँ मैं नहीं हूँ। जी आपका सवाल ऐसा ही है। देखो अब फिर एक ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, इसका जवाब दिया था, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल में जाके, मैं अल्पेश गज्जर अभी बात करता हूँ पेशेंट से कि आपका पेट में कहाँ से चीरना स्टार्ट करूं, तो वो मुझे पहले पूछेगा आप कौन, तो मैं बोलेगा मैं अल्पेश गज्जर मोदी गैर का लीडर, मैं जीबीडी, तो बोले तो आप मेरा पेट क्यों चीरना चाहते हैं, मैंने बोला आपको दर्द है ना तो मैं ऑपरेशन करूंगा, बोले ना बाबा मुझे हाथ मत लगाना, वो मुझे ऐसा ही बात करेगा, ये मुझे अभी से पता है मुझे मुझसे उसको ऐसे ही बात करनी चाहिए, बिकॉज मुझे पता है कि जिस पेट को मैं चीरने की बात कर रहा हूँ ना उसके लिए 6 साल पढ़ाई लगती है, 2 साल और स्पेशल एक्सपर्ट बनने में लगते हैं, 2 साल और प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और वो 9-10 साल के बाद मैं किसी को पूछ सकता हूँ या बिना पूछे भी उसका पेट चीर सकता हूँ। तो आप अभी कहाँ हो, आप अपनी लाइन में, जैसे आप एक हाउस वाइफ हो तो आपको ये पता है कि टेस्टी खाना कैसे बनाते हैं, आपको ये नहीं पता कि मोदी केयर कैसे चलाते हैं, तो आपको डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। जब आपका भी ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा 1 साल का 2 साल का मोदी केयर कैसे करना है, तब लोग आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे, लोग आपको देखते ही जुड़ जाएंगे। राइट, चलिए जी मैम, थैंक यू। रुचि मैम आप म्यूट हो गए। रुचि मैम मैं इनवाइट करना चाहती हूँ विजेता अमलानी। विजेता जी स्कूल टीचर है, उनका स्कूल जाने का समय हो चुका है, लेट अस टेक हर फर्स्ट। विजेता जी गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओके आई लाइक दिस सेशन वेरी मच एंड आई गॉट मच नॉलेज अबाउट मोदी केयर, हाउ टू डू बिलिंग, हाउ टू मेक रिपोर्ट, everything day wise we have learned a lot and Nithi ma'am has also explained very nicely and my team leader is Janvi ma'am, she also supports very much and yesterday I got chance to speak about a product and share the knowledge about product, it was very nice, so I'll try my level best to achieve my dreams in Modi care. Wish you all the best, thank you so much. आपको वैसे भी आपकी बत्ती भूल नहीं होने देगी, ऑल द बेस्ट जी। ओके थैंक यू सर। सर द वर्ड कमांडो इटसेल्फ सेज कम एंड डू, इफ वी ब्रेक द वर्ड कम एंड डू कमांडो, so let's go forward for this. जी आपने आखिरी में ज्यादा ज्यादा टीचर वाला काम कर ही दिया। So let's invite the people, let's come in the in this Modi care and do the work and get the result, that's the fact. God bless, thank you. Thank you so much. मैं invite करना चाहूंगी गीता प्रजापति जी को। गीता जी आप हो यहाँ पर? गीता प्रजापति
ओके, जब तक आप अपना वीडियो और स्क्रीन ऑन कर लें, सेट हो जाए, तब तक मैं इनवाइट करना चाहूंगी ध्वनि सोनी फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात. आई वुड रिक्वेस्ट कीप योर सेल्फ रेडी एंड अलर्ट. हम एक सेकंड वेस्ट ना करें, हमारे पास समय कम है, हम बहुत सारे लोगों को अटेंड करना चाहते हैं. ध्वनि, मेरे पास तो बहुत कम समय है, मुझे अभी सोना है वापिस. हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग अल्टे सर, माय सेल्फ ज्वेलरी सोनी फ्रॉम अहमदाबाद. मुझे ये कमांडो ट्रेनिंग का सेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट हुई मैं उसमें, और अपने आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत बहुत कोशिश कर रही हूँ. ट्राई मेरा चालू है एवरी डे. पहले मैं बीच में मेरा ब्रेक लग गया था इस काम में, तो अभी मैं फिर से कंटिन्यूसली ये काम स्टार्ट कर दिया है, और लोगों को जोड़ने के लिए मैं बहुत मोटिवेट हो रही हूँ. रुचि मैम ने जो ये ट्रेनिंग अरेंज की थी उसमें मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. वेरी गुड, वेरी गुड, विश यू ऑल द बेस्ट मैम. आप कहाँ से? अहमदाबाद. अहमदाबाद. और मेरे अप्लाई बकुल परिक सर है. अच्छा अच्छा, तो आप जेट प्लेन के पीछे लटके हुए हो. इसलिए अब रोज उनको भी फोन करके परेशान करते रहते हैं कि सर अब आगे क्या करना है, क्या कैसे करें, बोलो आप बताओ, नए कुछ आइडियाज दो. हाँ, वो जब तक फीस चार्ज नहीं करे तब तक पूछते रहिए. हाँ, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहती हूँ गीता प्रजापति जी को. गीता जी, यस, वेरी गुड. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. गुड मॉर्निंग मैम. मैं गीता प्रजापति अहमदाबाद से बोल रही हूँ. मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है. मैं मोदी कर का बिजनेस आगे बढ़ाना चाहती हूँ. मुझे आपका पेजेशन भी बहुत अच्छा लगता है. मैं इसमें पहली बार आपके पास सामने बात कर रही हूँ. जी गीता मैडम, थोड़ी झिझक. हमारी भी खुश नसीबी है कि हम भी आपके साथ बात कर रहे हैं. क्योंकि मैं हमेशा ऐसा मानता हूँ कि कोई भी जगह किसी के लिए भी फिक्स नहीं है लाइफ में, और आप वो लोग हो कि जो कल की डेट में मेरे से आगे जा सकते हो. आप वो लोग हो कि शायद मुझे आप लोगों का ऑटोग्राफ लेना पड़े. तो गॉड ब्लेस यू. कल के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, बस उम्मीद लगा के अपना जोर लगाते रहिए. ऑल द बेस्ट जी. थैंक यू. मुझे जानवी बेन सपोर्ट कर रही है. थैंक यू. थैंक यू सो मच गीता जी. नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हितेश सिंगल को. हितेश जी, हितेश सिंगल ऑन द स्क्रीन प्लीज. यस मैम, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी. गुड मॉर्निंग. हाँ, ये जो पूरी कमांडो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अमेजिंग थी, और आदमी का सोचने का तरीका बदल देती है. एक साधारण जॉब क्लास आदमी भी अपना फ्यूचर बना सकता है, अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में ले सकता है. नॉर्मली क्या रहता है कि हम दूसरों पे डिपेंड रहते हैं. कि हम जॉब में कितना भी मेहनत करें, वो हमेशा कोई ना कोई ऊपर होता है जो हमारा फेट डिसाइड करेगा. यहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि हम कैसे काम करें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से. तो मुझे लगता है कि मुझे जिंदगी में बहुत आगे ले. बाकी के लोगों को म्यूट कर दीजिए प्लीज. हाँ भैया, ऑल द बेस्ट. बस अभी तो इसी पे करियर बनानी है. और पीछे वो बॉक्सिंग का लगाया है आपने, बॉक्सिंग का पीछे. हाँ, वो थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं. जी जी, तो वो उसका जो एक रूल है ना कि गिरने के बाद जब वो खड़ा होने से मना कर देता है ना, तब उसको हारा माना जाता है. जी, नेटवर्क मार्केटिंग में सेम रूल है, और कोई रूल नहीं है. ओके. आप जब तक खड़े हो जाओगे वापिस, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोगों ने हाँ बोला, ना बोला, टीम बनी, टीम टूट गई, लोग खरीद रहे, नहीं खरीद रहे, लेकिन अगर आप खड़े हो तो मैच इज ऑन. यस, लेकिन हाँ, जिस दिन आपने उठने से मना कर दिया तो आप गए. तो वो रूल मुझे याद आया आपके पीछे ये देख के. तो प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, और आपकी एक सही एज है. मुझे लगता है कि जिंदगी को सही मायने में जीना होना तो पैसे वाला काम 30 साल से पहले निपटा देना चाहिए. जी. और उसके बाद जिंदगी जीनी चाहिए, तो आपको एक लंबी लाइफ मिलती है. हम लोग अभी फाइनेंशियल फ्रीडम हो रहे हैं.
तो लाइफ उतनी नहीं बची जितनी आपके पास बची है, तो आप उसकी कदर कीजिएगा। अगर हमें किसी ने समझाया होता उस एज में कि आप नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू ये कर सकते हो और इतने सारे लोगों ने किया है, तो मैं कसम खा के बोलता हूँ मैं पीछे नहीं हटता कभी। सर मैं भी नहीं हटता, मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला। तो विश यू ऑल द बेस्ट हितेश जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर। मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे मुंबई के एक पावरफुल टू बिकमिंग लीडर को, जिनका नाम है लुबना खान। लुबना जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्टार्ट योर वीडियो। हेलो जी लुबना जी, मॉर्निंग। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी अल्पेश जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपके काफी सेशन मैंने सुने हैं जी, और बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनसे जी, और सुषि मैम की स्माइल देख के हमें बहुत पॉजिटिवनेस मिलती है जी, जी। और अल्पेश जी आपसे सिर्फ इतने ही कहना चाहूंगी मैं कि मंजिल चाहे कितनी भी, आई थिंक आई कैन से इन शायरी, मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही गुजरते हैं जी। तो इंसान को कोशिश करना बहुत जरूरी है, एंड हम सब वही कोशिश में लगे हुए हैं, और आप लोगों की सपोर्ट के साथ होपफुली हम सक्सेस तक पहुंच जाए। कोशिश करने के बाद हारना और जीतना जो होता है ना जी, कोई प्रोफेशन हो, जैसे मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, आईएएस आईपीएस बनना है, तो मेरी इमीडिएट कोशिश काम में लगती है। तो वहां मैं कोशिश कर रहा हूँ, फिर ऊपर वाले के हाथ में ये बोल सकता हूँ। यहाँ आप लोगों को ये याद रखना है, हम सब साथ में जी, और आप लोग सीख रहे हो, हमारी पकड़ आ चुकी है। तो यहाँ कोशिश आप करते रहिए, जीत डेफिनेटली निश्चित है। आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैंने आपको काटा था जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना कि वो मंजिलें तो भटककर ही मिलती है, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो आपने कोशिश ही नहीं की तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, यू नो, कि आपको सक्सेस मिलेगी। यू नीड टू ट्राई इन लाइफ। थैंक यू सर जी, नाइस टू मीट यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लुबना खान। उसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगी, थैंक यू सो मच लुबना जी, आई वांट टू इनवाइट द नेक्स्ट पार्टिसिपेंट ऑफ कमांडो ट्रेनिंग, मिथिलेश शुगर सर। मिथिलेश जी, ओवर टू यू सर। नमस्कार अल्पेश जी, आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जी, और आपके बहुत सारे सेशंस भी अटेंड किए हैं जी। यू आर सिंपली अमेजिंग जी, थैंक यू सो वेरी मच। और आप जितने डाउन टू अर्थ रहकर के इतनी बड़ी बात करते हैं जी, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे अभी रुचि मैम ने कहा था आपके इंट्रोडक्शन में कि भाई साल का 6-7 करोड़, तो साल का 6-7 करोड़ के बाद इतना हम्बली रह करके इतनी अच्छी तरह से हर इंसान के साथ बात करना, ये बहुत बेहतरीन क्वालिटी तो आपने दिखाई देती है जी। तो इसके लिए मैं आपके साथ हमेशा जब भी बात करता हूँ बहुत मजा आता है। पिछली बार भी जब आपका एक सेक्शन था और हम लोग सब साथ में, तब मैंने यही कहा था जी। एंड रुचि मैम इज अमेजिंग, इनसे जब भी मिलते हैं कुछ सीखने मिलता है हमेशा। और आज लुबना मैम ने कुछ इतना बेहतरीन सिखाया, मंजिलें चाहे कितनी अच्छी ऊंची हो, रास्ते पैरों के नीचे से गुजरते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मिथिलेश जी, कोई तारीफ करना आपसे सीखे। अरे थैंक यू। मेरी साल की इनकम 2 करोड़ से, मोर देन 2 करोड़, और अब तक जो है मैंने लगभग 11 करोड़ रुपए कमाए हैं विद इन ये सीखते सीखते 7.5 साल में। तो ये मेरा लर्निंग मतलब मैं डॉक्टरी कर रहा था, तो अभी मेरी कंप्लीट हो चुकी है डिग्री, अब मैं ऑपरेशन करूंगा बराबर से। अरे वंडरफुल, इन टर्म्स ऑफ मोदी केयर। तो थैंक यू सो वेरी मच, आपको सुन के और मिलके अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। सो आई इनवाइट नाउ आवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट फॉर द कमांडो ट्रेनिंग, नरेश सोलंकी। नरेश जी, ओवर टू यू सर। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भैया। सर हमने सुना है कि हेल्थ इज वेल्थ, लेकिन आपको जब देखते हैं तो लगता है कि वेल्थ इज हेल्थ। आपको
आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, आप डे बाय डे यंग होते जाते हैं जी। दूसरा सर, आपका एक वीडियो मुझे इंस्पायर करता है कि जो मछली वाला एग्जांपल है ना, कि ये एक मछली को फर्क पड़ता है जी। तो अभी तो मैं खुद मछली हूँ, लेकिन आई एम ट्राइंग कि कोई एक आदमी मेरे वजह से वो एक बार उसको एक नई जिंदगी मिले सर। जी जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। इसमें ऐसा होता है, जब पैसे होते हैं तो आपके पास टाइम होता है, राइट। अभी मेरे वहां आज से 10 साल पहले एक ड्राइवर था, जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस में था, तो वो ड्राइवर पीछे किसी कंपनी के मालिक के साथ अभी काम कर रहा है। तो 3 दिन पहले उसका कॉल आया था कि सर आप दोपहर को जो वॉक करते हो ना सोसाइटी में, तो ये पीछे वाले जो मेरे बॉस है वो पूछ रहे थे कि उनको मिलना है, वो करते क्या है कि वो दोपहर को वॉक कर पा रहे हैं। तो तो बात आपकी बिल्कुल सही है, जब वेल्थ आ जाती है ना तो सारे 24 घंटे आपके पास होते हैं। और सिर्फ वेल्थ नहीं आई, मैंने टाइम अर्न किया है, जो नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कतई पॉसिबल नहीं है। मैं डायमंड उद्योग में जाता, मेरा बिजनेस बढ़ जाता, लेकिन मैं दोपहर को वॉक नहीं कर सकता। अगर मैं एक बिल्डर बनता तो हो सकता है मेरी सारी बिल्डिंग्स हीट हो जाती और मुझे इतने पैसे मिलते, लेकिन मैं दोपहर को वॉक नहीं कर सकता। तो ये इकलौता बिजनेस है जहां एक बार एक मुकाम पे ले जाके अगर आपने छोड़ भी दिया है तब भी वो अपने आप रन करता है, क्योंकि आपसे बेहतर या आप जैसे कई लोग आपकी टीम में आ चुके होते हैं। तो ये बिजनेस की थीम यही समझना जरूरी है कि ये वेल्थ इस, उसके बाद में हेल्थ आप कमा सकते हो, क्योंकि आप में से कई लोग होंगे जो अपनी हेल्थ को बरकरार रखना चाहते होंगे, लेकिन जो दिनचर्या है ना, जो दिन की दौड़ा भाग है, वो आपको करने नहीं दे पा रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज शॉर्ट आ रही है। तो सेम ये समझना जरूरी है कि माय मोदी केयर के अंदर ये पॉइंट ऐड होता है डेफिनेटली, जो आपने नोटिस किया। थैंक यू सो वेरी मच। ओके सो थैंक यू सो मच। वी इनवाइट अवर नेक्स्ट पार्टिसिपेंट फॉर कमांडो ट्रेनिंग इज रजनी शर्मा। रजनी, ओवर टू यू। हेलो, गुड मॉर्निंग रुचि, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सेकंड सेशन हो रहा है और ऑनेस्टली सर मैं रात को आपकी आवाज नहीं आ रही है, ट्रैवलिंग करके आई हूँ और लेट है। रजनी आवाज में कोई कमी आ रही है? वीडियो ऑफ कर दो तो आवाज ठीक हो जाएगी। वीडियो ऑफ कर। ओके रजनी, यस यू कैन स्पीक नाउ। गुड मॉर्निंग सर, अभी आ रही है सर आवाज? हाँ बिल्कुल एकदम मस्त टका रहा। सर एक्चुअली मैं रात में ट्रैवलिंग करके आई थी और मैंने रुचि को क्लियर बोल दिया था कि यार मैं बहुत रिग्रेट फील कर रही थी कि मुझे सर से पर्सनली मिलने का मौका मैं गवा दूंगी। तो मैं रात को अपने आप को टिगर करके सोई थी कि 2:30 बज रहा था, तो मैंने कहा मैं 6 बजे उठ जाऊंगी और मम्मी के घर हूँ इसलिए बहुत मुश्किल होता है कि हाँ सब सुविधाओं के बीच में बेफिक्री की नींद छोड़ के मैं उठी और 6 बजे का अलार्म और मैं आपसे मिलने के लिए उठी। सर थैंक यू सो मच कि आपके साथ दोबारा मिलना हो रहा है। My pleasure, ma'am. और सर ये जो कमांडो ट्रेनिंग हुआ, वैसे तो सर ये 6 दिन का नहीं अटेंड किया, मैं जब से ज्वाइन हुई हूँ तब से आप सब लोगों के जो वीडियो देखती हूँ या जो भी। और कर सर कल एक और मजेदार बात हुई कि मैं फ्लाइट में वीडियो देख रही थी और हमारे 2 सीट के आगे कोई बंदा और वीडियो देख रहा था, वो भी मोदी केयर का देख रहा था। तो मैं बहुत मतलब इस बात को देख के और इंस्पायर हुई। और सर दूसरी बात ये है कि मैं अपनी टीम जरूर बनाऊंगी, बहुत हाई फाई ऐसे आसमान खड़ा कर दूं ऐसा अभी नहीं सोचती हूँ। वो कहते हैं ना पैरों के नीचे से, जैसे अभी लुबिना मैडम ने कहा, तो बिल्कुल उतनी जमीन पर ही रह के करूंगी। पर इतना जरूर है मैं तो इससे कुछ कमाऊं या ना कमाऊं पर अपने नीचे वालों को जरूर इतना कमाना सिखा दूंगी रुचि के साथ कोऑर्डिनेट करके कि वो लोग
हमें याद रखें, जैसे आपको बहुत लोग याद रखते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इसलिए याद रखें कि किसी का पैशन, किसी का रिक्वायरमेंट, उसके साथ वो कंप्रोमाइज नहीं करें। ठाकुर जी की कृपा है कि भगवान ने हमको कभी कंप्रोमाइज नहीं कराया, बहुत लोगों को हमने दिखाया, तो मैं उन लोगों को जरूर ये फील कराना चाहूंगी सर। और ये 6 दिन की ट्रेनिंग है नहीं, ये डेली की ट्रेनिंग है। इसमें मुझे 6 दिन में ओवरऑल ठीक है सब विषयों के बीच थोड़ा थोड़ा पता चला, बट जो मैं अपनी टीम को मोटिवेट करूंगी, प्रेशराइज नहीं करूंगी जी सर। बस जी थैंक यू सो मच रजनी मैम। मुझे आप याद हो जब पहली बार हमारी बात हुई थी, आप वो महिला हो जिसने अच्छा एजुकेशन लिया और आपने अपना घर और बच्चों का करियर बिल्ड किया, लेकिन इन सभी चीजों के चक्कर में आप अपना वजूद बिल्ड करने भूल गए थे। और अब आपने सेकंड इनिंग इसमें स्टार्ट किया कि मैं अपना वजूद बिल्ड करूंगी, तो विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे गर्व है आपके ऊपर, आपके आगे वाले करियर के ऊपर भी, और आगे आने वाले करियर के लिए भी। आपको विश यू ऑल द बेस्ट। और बस टीम के जब नीचे वाले होते हैं उनको नीचे वाले नहीं बोलना है, साथ वाले बोलना है कि मेरे साथ वाले को मैं पैसे बिल्कुल बिल्कुल ये वर्ड मेरे से गलत पिक हुआ। कोई बात नहीं, आप समझदार हो, आपको तभी पता चल गया होगा, लेकिन ये तो बांध जैसा होता है ना, निकलने के बाद हम वापिस नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी एक्साइटमेंट में कोई बात नहीं। मैं जब नया था मैं खुद बोलता था, सो डोंट वरी, हमें पता नहीं होता ना वो आपने क्या किया, जो मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपने बात की, तो मैथमेटिक्स के हिसाब से तो नीचे ही हूँ ट्री में, लेकिन लोग शायद ये सुनना पसंद ना करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच रजनी। ओवर एक्साइटेड रजनी, लेट अस इनवाइट अवर वंडरफुल एसोसिएट, अ वेरी पावरफुल पर्सन हुज ऑरा इज जस्ट यू नो, उनका ऑरा एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। आई इनवाइट पतंजलि देसाई सर। सर नमस्कार, आपके आशीर्वाद, और ओवर टू यू सर, यू कैन स्पीक टू अल्पेजी नाउ। वेलकम सर, अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए सर, आपकी आवाज अनम्यूट कर दीजिए। या जी सर, नाउ कैन यू लिसन टू मी? ओके, थैंक यू सो मच। ओके, Alpajri, nice meeting you. It is a great pleasure meeting all of you on the one platform. Wonderful, wonderful. Now, let me talk to you in a brief regarding the whole commando session. Basically, by mentally and by mindset, I am a commando. And this commando training has reinstituted the entire thing what I have learned in my life. It has brought me back to my action force. Aisa kehte na ki, मेरा एक माइंडसेट ऐसा है सब कि वेर योर थिंकिंग बिगिंस माय एक्शंस आर ओवर, दैट इज अ कमांडो। सो यस, जैसे अभी आगे रजनी बेन शर्मा ने जैसे बताया कि आपने भी उनको रीइंस्टेट किया, कि आपने पहले वाली इनिंग तो आपकी बहुत अच्छी तरह खत्म कर ली, अभी आने वाली इनिंग आपकी बहुत अच्छी होगी, तो उसी हिसाब से मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक की लाइफ के अंदर मैंने अपने सारी सारी जिम्मेदारियां खत्म कर दी हैं, एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड। अभी लाइफ फिर से जीने का एक नया नशा है। आई एम बिगिनिंग माय लाइफ फ्रॉम द न्यू स्टेज एंड आई विल बी एबल टू गो टू द टावरिंग हाइट्स, इतना तो जज्बा आज भी रखता हूँ। वाह सर, और सबको दे, थैंक यू सो मच। मजा आ गया आपको मिलके। थैंक यू, माय प्लेजर, इट इज अ सर्टिफिकेट टू मी सर। नहीं मतलब मुझे गरम किया आपने, एक्चुअली पता है आपको क्या सर? मुझे गरम कर दिया आपने। क्या बात है सर, डेफिनेटली नाइस मीटिंग यू। और एक छोटा सा एक और एडिशन करना चाहता हूँ, मुझे ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट मुझे काफी पता था पहले से भी, ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं था, लेकिन अभी तक वो फील्ड नहीं मिला था, वो ग्राउंड नहीं मिला था। छोटे मोटे बहुत सारे मैंने देखे भी थे, किए भी थे, लेकिन उसमें वो मेरा करंट नहीं आता था जी। अभी हाई वोल्टेज स्क्रीन पे मैं आ गया हूँ जी,
आई मीन माई वर्ड्स व्हाट आई से जी आई मीन माई वर्ड्स व्हाट आई से ओके वो दिख रहा है वो दिख रहा है वी कैन सी यस एंड सेकेंडली मुझे इस पर्टिकुलर इस मोदी केयर में लाने के लिए आई एम वेरी मच थैंकफुल टू ध्वनि मैडम ठीक है नंबर टू आई हैव एंजॉयड द एंटायर कमांडो सेशन राइट फ्रॉम डे वन टू दिस मोमेंट एंड फ्रॉम हियर माय जर्नी अगेन बिगिंस सो आई एम थैंकफुल टू द टीम ऑफ रुचि मैडम इज अमेजिंग आई टेल यू शी इज बियॉन्ड द वर्ड ऑफ अमेजिंग द वे इन विच शी इज कंडक्टिंग शी इज गेट कनेक्टेड She is, you know, her vocabulary, her, you know, proper selection of the words and what to say, when to say, how to get it. There's a lot of learning from her. Okay, hum jante bhi hai, lekin phir bhi, learning is never the end. So, bahut maza aaya and I'm very happy that, you know, I'm connected with such a good people who are already sparked, much beyond the spark, ignited hain. So, aise logon ke saath mein kaam karna, bahut maza aayega. Apni team ke andar, baki... कमांडो को ट्रेनिंग शुरुआत अच्छी रहा परिवर्तन अच्छा रहा प्रोडक्ट कार्निवल तो फैंटास्टिक रहा और प्रोडक्ट कार्निवल जो था बताया था बिलीव मी आई हैव नोटेड ईच एंड एवरीथिंग ऑफ एंटायर सिक्स डे सेशन मैंने अपनी डायरी में मैं सुनता भी था लिखता भी था और मैं उसको बाद में पढ़ के रीइंस्ट्रेट करता हूँ अपने मुझे कहाँ से शुरुआत करनी है तो बहुत मजा आया मुझे और प्रोडक्ट कार्निवल के काफी सारे प्रोडक्ट्स जो मैं जानता नहीं था थोड़ा कम जानता था प्रोडक्ट वो बिल्कुल मेरे सामने त्रादृश्य हो गया तो I'm looking forward. Long way to go. Long way to go. And miles to go. All the best, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you so much. Let us make it little script. Crisp and fast. I'm... main chahti hu kisi ka turn miss na ho. Let us invite Kavita Gujral and Ram Gujral from Mumbai. Ram is a actor and Kavita is a better half. And both of them are amazing couple. Let's have both of them on the screen. Spotlight kiya jai. Good morning, sir. Very good morning, Kavita. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Good morning. ये अभी तक नाम चेंज हुआ नहीं, ma'am. आप आपको spotlight किया जा रहा है. Welcome. थोड़ा और center में आ जाइए. बात करें सर बिल्कुल बिल्कुल सर मेरा नाम रामकिशन गुर्जर है मैं एक्टर हूं और मैं जयपुर राजस्थान से हूं और आज सुना मैंने आपको पहली बार और काफी ऐसी चीजें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी जैसे कि आपने अभी कहा था कि जो करना है एक सही एज में करना है जी आपने पैसा कमाया 60-70 के बाद कमाया कौन यूज करेगा कौन एंजॉय करेगा एक आपने पैसा कमाया 30-40 के पहले कमा लिया तो आप उसे एंजॉय भी करते हैं और एक आपने बात बोली कि आज करना है आज क्या करना है उस पर फोकस करिए और सर मैं इसमें बिल्कुल नया हूँ और इसी महीने मेरी ज्वाइनिंग हुई है लेकिन मैं एक चीज मानता हूँ कि कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है हारा वही है जो लड़ा नहीं तो सर लक्ष्य मैंने अपना बना लिया है जी मुझे क्या करना है मुझे बिल्कुल पता है जी अब जो चीजें हैं वो सर आप तक पहुंच जाएंगी जब मैं कुछ ना कुछ करता रहूंगा और सर ज्यादा मैं कुछ कहूंगा नहीं जी मैं काम करूंगा और मेरा काम बोलेगा जी बाकी बहुत ही अच्छी और बहुत ही शानदार हमारा ये सेशन रहा छह दिन का बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं थैंक्स बोलूंगा रुचि मैम को साबू सर को लक्ष्मी जी को जो मेरी अपलाइन है और थैंक यू आपको सर आपसे सीखने को मिल रहा है और ट्राई करूंगा हमेशा कुछ ना कुछ आपसे सीखता रहूं डेफिनेटली आज मिलते हैं शाम को ट्रेनिंग में जरूर आना बिल्कुल सर जी ऑल द बेस्ट राम भैया एंड गॉड ब्लेस यू और आपकी सरनेम में भी एक ताकत है जी तो Thank you so much. So I invite now next Rohini Chavan from Mumbai, Maharashtra. Ek chulbuli ladki, ek bahut motivated, positive ladki. Roj session attend karti, roj seekhti hai aur ab bahut bade sapne lekar chalti. Rohini, over to you. Hello ma'am. Good morning ma'am and sir. Good morning. Pehle mujhe mere liye ye bahut
न्यू है सीखने के लिए. एजुकेशन के बाद मैंने फर्स्ट टाइम नेटवर्क मार्केटिंग फर्स्ट टाइम देखा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया था. बाद में मुझे जब रुचि मैम, बकुल सर, दीपक सर, इनका सब ये मिला तो बहुत बहुत सीखने मिला सर इनसे. और जो ट्रेनिंग सेशन था उससे थोड़ा डर कम हो गया है अभी तो. बात करने में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन अभी कर सकती हूँ बात और कन्वेंस कर सकती हूँ सबको, और बहुत अच्छा काम कर सकती हूँ ऐसा लग रहा है सर. जी, गॉड ब्लेस यू बेटा. एंड अगेन वही है कि सही एज में चीजें हाथ में आई है, इसको छोड़ना नहीं. बाकी शुरुआत है, हो सकता है कि 3 साल के बाद आपको सुनने के लिए जूम की लिमिट कम पड़ जाए, आपके अंदर वो एनर्जी आए, ऐसा स्पार्क आए. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वो अगर वो राइट दिशा में हो विथ मेंटरिंग हो तो डेफिनेटली वो चार चार लगाएगी. तो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर. तो नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी राजेश परमार फ्रॉम अहमदाबाद. गुजरात फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते थे, अपना माइंडसेट बना के इस बिजनेस को प्रोसेस कर रहे हैं. ही इज यू नो मेंटली प्रिपेयर्ड, जॉब छोड़ दिया है. नाउ ही इज जस्ट आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग 1 लाख रुपए इनकम स्टार्टिंग विद 50,000. राजेश ओवर टू यू, थोड़ा क्विक कीजिएगा ताकि किसी का टर्न रह ना जाए प्लीज. श्योर श्योर मैम. Good morning, everyone, and thank you so much, Ruchi ma'am and Neelam sir and everyone. And Alpesh sir, I'm lucky enough कि आपसे ये शायद तीसरी या चौथी बार बात करने का मौका मिल रहा है. Generally तो मैंने अभी 15 साल overall work experience रहा, लेकिन शायद 2 से 3 लाख का भी जिनका पैकेज होता है उनसे भी कभी कभी पूरे करियर में बात नहीं हो सकती. जी. और आपसे इस तरह से सब डिटेल से बात करते तो बहुत it feel good factor. और जहां तक टीम की बात है तो शायद ये टीम ही है जिसकी वजह से लोग जुड़े रहते, वरना बहुत सारे लोगों को ऐसे 2-3 बहुत सारी कंपनीज के एक्सपीरियंस रहते हैं लेकिन वहां पर शायद ये बात नहीं होती. मे बी दैट इज द रीजन दे डू नॉट सक्सेस. एंड सेकेंडली टीम जो है हमारी वो अभी उसको थोड़ी बस रफ्तार देने की जरूरत है. रफ्तार दे देंगे तो परिवर्तन तो आना ही आना है आप सब. तो आई एम वेरी मच श्योर. थैंक यू सो मच. बच्ची ने बोला ना कि मैं, मुझे पता ही नहीं था कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या. तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को अगर मुझे कोई बोले कि एक लाइन में बोलो तो मैं बोलूंगा जिंदगी जीने का नया तरीका, दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग. राइट सर, अग्री. थैंक यू सो मच सर. यस सर. Thank you so much, Rajesh Parmar. I invite next RK Sabu from Mumbai, Maharashtra, marathon runner, gym instructor, and always ready to help everyone. RK, over to you. एक और बात बताना चाहूंगी. He is a director in this month, and let us congratulate for his first title, director level, in Modi Care industry. RK ji, over to you. गुड मॉर्निंग अल्पेश जी. पहले भी इंटरेक्शन हुआ है. मैं ऐसा समझता हूँ कि जब भी आप कुछ भी काम करते हैं, यदि आप उसको बहुत पैशनेटली करने लगते ना तो आपको सक्सेस मिलनी है. जी. मेरी हॉबी, मेरा पैशन फिटनेस, जो मैं लॉजिस्टिक के बाद में उसमें आया, तो उससे भी मैंने बहुत कुछ हेल्थ वाइज भी अचीव किया है. एंड यू नो काफी कुछ उसमें किया है. अब भी मैं बहुत प्राउडली मेरे विजिटिंग कार्ड में मैं नेटवर्कर लिखाने वाला हूँ. जी. कि मैं इसको भी बहुत पैशनेटली कर रहा हूँ. इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, छोटी छोटी चीजें. आज जैसे बकुल भाई ने बताया 4x4 तो सुना था, 6x6, ये 6x6 इतना छोटा सा आइडिया, 26 PV. मैंने आई जस्ट डोंट वांट टू टेक टू मच टाइम, बट मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब साथ में जुड़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और ये जर्नी पे निकला हूं, मैं मैराथनर हूं. मैं ऐसा समझता हूं मेरी डायरेक्टर की ये जो टाइटल मुझे मिली है, ये पहला किलोमीटर है मेरे मैराथन का. मेरे को अल्ट्रा मैराथन भागना है, तो मैं कंटिन्यूसली भागता रहूंगा एंड लोगों को जोड़ते रहेंगे. एंड दैट्स ऑल. इन फ्यूचर आप लोगों के नाम बहुत बड़े होने वाले हैं नेटवर्क इंडस्ट्री में, ये मुझे दिख रहा है अभी से. और मैं एक अच्छा विजनरी भी हूँ, मुझे पता चल जाता है, और मैं आज तक कभी गलत भी नहीं साबित हुआ.
तो गॉड ब्लेस यू, अच्छा लगता है सर आप लोगों से मिलके, आपको गोल्ड जिम वाले वहां है ना? यस सर जी, तो मुझे याद है। और ये 6x6 की जो बात थी ना, वो एक्चुअली 2000 रुपया खरीदी की जो उन्होंने बात बोली ना, वो इतनी, देखो हमारे बिजनेस के अंदर जब भी आप कोई भी ग्राफ दिखाओ ना, तो प्रैक्टिकल, अचीवेबल एंड डुप्लीकेबल होना चाहिए। मैं तो कर सकता हूँ, लेकिन कोई भी आए तो उसको ये सामान्य लगना चाहिए। तो मुझे उनका प्रेजेंटेशन इसलिए अच्छा लगा था कि वो प्रैक्टिकल, अचीवेबल और डुप्लीकेबल था। अब 5000 सुन के कोई सोचेगा, मुझे अब मेरी सैलरी जो है वो 25000 है, तो मैं पहले ये सोचूंगा कि यार 5000 का मुझे खरीदना पड़ेगा, तो वो जो एरर वहां से स्टार्ट होती है। लेकिन जैसे ही इन्होंने ये 6 वाला बताया, उसने बोला आपको 26 PV करने, खुद को 100 PV नहीं करने। तो जो तरीका था, अब जो जब आप प्रोडक्ट कार्निवल दिखा देते हो ना, तो लोगों की बाइंग भूख वैसे भी बढ़ जाती है। तो हम ये तो करने ही वाले हैं, तो इनडायरेक्टली हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो ये आपने अच्छा नोटिस किया जी। प्लीज राजकुमार जी, एक लास्ट 10 सेकंड लूंगा। मेरे साथ में कुणाल मुर्दानी है शिलोंग से, एकदम एक्सट्रीम ईस्ट से। मैंने उनको बोला था आज आप जरूर आइए, वो जुड़े हैं एंड पहले मंथ में सीनियर कंसल्टेंट बने हैं। 120 PV का उन्होंने किया, वो भी गोल्ड जिम से जुड़े हुए हैं। हम लोग शिलोंग में झंडे गाड़ने वाले हैं, ये मैं इतना कह सकता हूँ। कुणाल इज नॉट देयर, इफ यू कैन जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड से हेलो टू अल्पेश जी। हाय हाय अल्पेश जी जी, हाय हाय। सो बेसिकली आई एम वेरी 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 न्यू टू द एंटायर कॉन्सेप्ट, तो अभी भी सीख रहे हैं। तो राजकुमार जी है जो हमें ले जाएंगे आगे, होपफुली जी। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शिलोंग कभी गया नहीं हूं, आपकी वजह से शायद जाने का मौका मिले। ऑलवेज वेलकम सर जी जी। सो लेट अस, आरके की टीम में से कुछ लोग हैं इसी महीने फास्टा 10% पे पहुंचे हैं। शायद सारे लोग उपस्थित ना हो, लेकिन मैंने उनके लिए एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया ताकि उनको एक अपने पर्सनल एप्रिसिएशन मिले। महेश अंबेकर, फास्टा 10% अचीवर इन आरके टीम। सो कांग्रेचुलेशंस महेश जी, इफ यू आर देयर वी विल स्पीक टू यू। नेक्स्ट इज अनवर हुसैन शेख, फास्टा 10% अचीवर फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र। नेक्स्ट वी हैव मनोज वंझारा, अगेन फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र, फास्टा 10% अचीवर इन दिस मंथ। नेक्स्ट कविता गुर्जर, जिनसे अभी बात हुई, रामकिशन एंड कविता, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोथ ऑफ यू। वी हैव हरजीत सिंह आनंद, इनका इंट्रोडक्शन शायद आरके से बेहतर नहीं दे पाएंगे, बट आई थिंक ही इज नॉट देयर। सो नेक्स्ट टाइम जब वो होंगे तो उनके इंट्रोडक्शन हम करेंगे। नेक्स्ट इज कुणाल मोदरानी। Kunal ji, you are there. Thank you so much. Congratulations, sir. Your first entry into network marketing industry with a fast-start 10% achiever. Next, Lakshmi Gadkari. Lakshmi, your turn is next. Congratulations to you also. Next. Okay. So I invite now Lakshmi on the screen. Lakshmi, you can unmute yourself. Can you hear me? Can you hear me? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। क्विकली बात करूंगी ताकि बाकी लोगों को भी टाइम मिले और सर को भी हम जल्दी से रिलीज कर सके। सर ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड से हूँ, 33 decades का एक्सपीरियंस है, काफी काम किया लाइफ में। गुरु की बहुत गुरु का काफी मान है, यही हमें सिखाया जाता है। मेरी लाइफ का जो भी सक्सेस है, बहुत लो लेवल से लेके यहाँ तक पहुँचने के लिए जितने भी मेरे बॉसेस रहे हैं वो मेरे गुरु रहे हैं, उनसे काफी सीखा। आज यहाँ मोदी केयर में भी मेरे गुरु से ही मिल रही हूँ, आप एक हैं। बहुत सलाम है सर आपको, आपके सक्सेस को बहुत सीखने मिलता है। आपके वीडियोस देख रहे हैं, बहुत नॉलेज मिल रहा है। हमारी रुचि मैम तो मेरी फेवरेट है, उनके बारे में जितना कहें कम है, लेस इज मोर फॉर हर। सर मोदी केयर के बारे में एक ही चीज कहना चाहूंगी कि ये बिजनेस के 3 P's पे बेस्ड है। एक तो है पीपल, 3 P's, सक्सेस इज पीपल, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। मेरा ये मानना है कि इसके अलावा भी एक और P होना चाहिए जो है परसिस्टेंस।
परसिस्टेंस वो है जिसे हम लगे रहते हैं, हम छोड़ते नहीं है, वी हैंग इन देयर, यू नो, हम लगे रहते हैं एंड तक. ये फोर्थ पी भी होना चाहिए, मुझे लगता है फोर्थ पी सिर्फ मोदी के अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से इनको जो इनका जो शौहरत है, नाम है, सक्सेस है, वो एक माइलस्टोन में तब्दील हो रहा है. एंड इट इज नॉट लिमिटेड टू वन पर्सन, इट इज गोइंग टू एवरीबडी इन द सेम फॉर्मेट. ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट है. आई एम सो हैप्पी. आई वॉन्ट टू थैंक आरके सर टू शो मी दिस ब्यूटिफुल वर्ल्ड, कनेक्टिंग विद अमेजिंग सक्सेसफुल पीपल, लर्निंग सो मच. मैंने ये दो महीने में इतना सीखा है, मतलब इतना नॉलेज यू नो गेन किया है, उसका कोई मतलब माइलस्टोन है सर. आई एम सीरियसली एंजॉइंग. आपने वन ऑफ द कलीग को बताया था आपने यहाँ पे फ्रेंड को कि आप एंजॉय कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है. तो मैं तो एंजॉय कर रही हूँ सर, बाकी तो सब मेरे गुरु हमें रास्ता बता ही रहे हैं सर. थैंक यू. सब हीरे ढूंढ के लाए हो आप. वेलकम सर. जी थैंक यू सो मच सर. मैं इनवाइट करना चाहती हूँ डॉक्टर रिचा ठाकुर फ्रॉम पंजाब इंडिया. रिचा आर यू देयर? डॉक्टर रिचा ठाकुर, शी इज अ पर्सन हु वांटेड टू गो टू कनाडा. उनका विजन था मैं कनाडा जाना चाहती हूँ, लेकिन उनका विजन है कनाडा में क्या रखा है, मोदी केयर में 2-4 लाख रुपए आ गए तो इंडिया में कनाडा खड़ा किया जा सकता है. दैट्स व्हाट शी थिंक्स. जाएंगे कनाडा जब मोदी केयर वहाँ ओपन हो जाएगा, तब हम कनाडा जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं. डेफिनेटली सर. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग मैम. हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू. प्लीज मैम जी अपना ड्रीम पूरा करेंगे और मोदी केयर को साथ लेके करेंगे. द बेस्ट थिंग सर, मैं तो पर्सनली इसलिए यहाँ ज्वाइन हुई हूँ क्योंकि मेरे को इसमें हेल्दी वेल्दी दोनों विजन है, और बीइंग अ डॉक्टर मैं सबको ये प्रोवाइड कराना चाहती हूँ. सो दैट इज बेस्ट थिंग. शी इज माय डॉटर कम सडनली. बड़ी खूबसूरत है. प्लीज सिट डाउन. आई मीन प्लीज सिट. दीदी आप उसको आने दो, नेचुरल लग रहा है. आप प्लीज बोलिए. थैंक यू थैंक यू. हर घर की कहानी है और बच्चे नहीं है तो फिर लाइफ क्या है. प्लीज कंटिन्यू. That is a, और इस लर्निंग को ज्वाइन करके रुचि मैम से लर्न करके बहुत अच्छा लग रहा है. उनका वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है. एंड वेरी फ्रेंकली कुछ ऐसा नहीं लगता है कि मेरे लिए ये सब कैसे, मैं कैसे करूं, तो आई कैन मैनेज ऑल द थिंग्स बिकॉज बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ मदर, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, बहुत ज्यादा बर्डन था, बट मैं यहाँ आधा एक घंटा भी देती हूँ तो आई फील वेरी हैप्पी एंड स्ट्रेस्ड आउट. नाइस टू मीट यू. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. और डॉक्टर है नागपुर में, वो डॉक्टर मैम जब मैं पहली बार गया उनका जो क्लिनिक था वो आयुर्वेदिक थे, तो चिरोधारा और ये सब चलाते पंचकर्मा, तो मुझे बोला हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे, आई एम डॉक्टर, आपको पता है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ. तो मैंने बोला मैम 60 साल काम करना है तो आप कंटिन्यू कीजिए. मैं डॉक्टर ही कहता प्रोफेशन है जिसकी सब इज्जत करते हैं, क्योंकि आप लोगों की जिंदगी बचाते भी हो. हम लोग बनाते हैं, आप बचाते भी. तो वो उन्होंने अवॉइड किया, लेकिन मैं उनको ट्रेनिंग में लाने के लिए सफल रहा नागपुर में. आज से 2 साल पहले की बात है. अभी उन्होंने 70 लाख रुपए की BMW खरीदी और महीने का 5 लाख का चेक है. तो कल ही मेरी बात हो रही थी, मैंने बोला क्लिनिक बंद कर रहे हो. नहीं नहीं, क्लिनिक से जो मोदी करके प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट्स है, उससे लोगों को इतने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो मैं सिर्फ पैसे नहीं कमा रही हूँ, साथ में दुआएं भी कमा रही हूँ. yes, ये मुझे उनकी बात अच्छी लगी एज अ डॉक्टर, तो मैंने आपके साथ शेयर कर ली क्योंकि कल ही बात हुई थी. So wish you all the best. We are proud of you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Ruchi ma'am. I invite next participant for the commando training, a very, very powerful commando, becoming commando, Vaishali Chauhan from Amreli, Gujarat. Vaishali ji, aapko pehle baat karne ka mauka mila hai, thoda jaldi kijiyega. Main chahti hu koi naya vyakti chhut na jaye. Vaishali Chauhan. Definitely. Over to Namaste, sir. Namaste. Kem chho, maja ma? Bas maja ma. ओके वैसे तो कितने दिन कई समय से मैं ये कर रही हूँ,
और वेरी थैंकफुल टू रुचि मैम जो किसी को छोड़ती नहीं, अगर कोई छोड़ना चाहे तो भी वो ऐसे पकड़ के रखती है कोई छूटने जाए। और बहुत ही अच्छी ये कमांडो ट्रेनिंग हुई है, मेरे मेरे साथ मेरी टीम से 6 कमांडो इस टीम में आए हैं जो कि होम मेकर है, किसी के छोटे बच्चे है, किसी को सुबह टिफिन बनाना होता है हस्बैंड के लिए, लेकिन वो सारा एडजस्ट करके सुबह 6 बजे हम सब ने ज्वाइन किया और बहुत कुछ सीखने को मिला है। अब इतना तो सीख ही गई हूँ कि किसी बात में मुझे कोई रिजेक्शन नहीं आता, अगर किसी को कॉल करना है, किसी को कन्विंस करना है, मुझे इस कमांडो ट्रेनिंग से बहुत ही कुछ सीखने को मिला। आप नहीं जानते यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डॉक्टर हाउस का एक हॉस्पिटल है, वहां में 2 मिनट में उसके जो बड़े से बड़े डॉक्टर है उसको मैं 2 मिनट में स्टेरिक्लिन दे के आई, तो वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक फील हुआ मुझे कि मैं ये सब अब कर सकती हूँ। तो थैंक यू। और जब भी मैं आपसे मिलती हूँ और आपको ये पर्सनली मैं दूसरे समय पे मैं मिल रही हूँ तो दो बार, तो बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि आपसे इंस्पायर इसलिए होती हूँ क्योंकि एजुकेशन में हम थोड़ा थोड़ा सेम है। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाया, तो जब भी मैं ऐसा मुझे कुछ लगता है तो मेरे सामने आपका चेहरा आ जाता है जी। और आप इतना कुछ अचीव कर चुके हैं, इतने आगे बढ़ चुके हैं, तो आपसे इंस्पायर होती है और आप हमारे रोल मॉडल है, हमारे रियल हीरो है सर। थैंक यू। जय हिंद। माय प्लीजर। थैंक यू मैम। ऐसे मॉर्निंग में टॉनिक मिल जाएगा ना तो मॉर्निंग अच्छी रहती है। यस डेफिनेटली। सर आप रोज आइए, हम टॉनिक देंगे आपको रोज। थैंक यू सो मच। मैं इनवाइट करना चाहती हूँ नेक्स्ट एसोसिएट फ्रॉम कोलकाता इंडिया से है चंद्रानी चौधरी। चंद्रानी जी आप ओवर टू यू मैम। चंद्रानी चौधरी फ्रॉम कोलकाता इंडिया। वेलकम। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। मैं एकदम ही नई हूँ यहाँ पे इस बिजनेस में एंड आई एम इन अ वेरी वेरी लाइक इट्स अ न्यूबॉर्न बेबी यू कैन से, सो आई एम ग्रेजुअली लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है एंड I hope things will work out definitely, and I am under leadership of Bakul Parikh ji, so he will make me do things. I'm very sure. So I'm expecting a very great future ahead. Wish you all the best, ma'am. Thank you so much. आपका बड़ा फिल्मी नाम है चंद्रानी चौधरी, ये मतलब मूवी के ऊपर भी नाम रखा जा सकता है ऐसा। Okay. Nee, actually in Bengalis this name is actually quite popular. Acha. Okay. So let us invite Shailesh ji on the screen. Shailesh ji and Nidhi Sardara. Main in dono ko saath mein invite karna chahungi. Dono ne saath mein business join kiya. Nidhi Sardara and Shailesh ji. Shailesh ji sir kitchen garden banate hain. Aapke ghar ke andar choti si space mein bhi kitchen garden banana ho to bana sakte hain. एंड मोदी केयर इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए आए निधि सरधारा। निधि आर यू देयर? यस मैम। एंड शैलेश? या ही विल लीव, सॉरी फॉर दैट। कोई बात नहीं। निधि एक्चुअली मैम इससे पहले मैंने मार्केटिंग तो किया नहीं था, सो आई एम न्यू टू मार्केटिंग एंड आई हैव लर्न टू मच फ्रॉम 6 डे ट्रेनिंग। Thank you so much, ma'am. Wish you all the best, ma'am. Thank you so much. Next associate, Shailesh is not there, so we go move to the next person. Who is the next one? Dimpy. Let us invite Dimpy on the screen. Dimpy, are you there? And next is Hitesh Parmar. Damini, Dimpy unka short form hai, short name hai and pet name hai, Damini ji. Damini, are you there? Yes. You can unmute yourself. Okay, go ahead. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Let's see, aage kya hoga? Ye pura new hai mere liye. Ji. Kya kaam nikal gaya? कमांडो ट्रेनिंग ज्वाइन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी आई है। आई दीपक सर ज्वाइन कर टीम में जा रहे हैं। आई डू वर्क फॉर यू डीपी मैम। मैं आपको एक बात बताऊं, आगे क्या होगा ना वो हमारा हम लोगों के हाथ में, आगे क्या होगा ये हमेशा याद रखिएगा लाइफ में। और जब हमारे जैसे कई लोगों ने करके दिखाया हो ना तो फिर खुद के ऊपर डाउट करना तो बनता ही नहीं है।
जी हम कितना एफर्ट्स डालते हैं, हम कितने कमिटेड हैं, अगर ये दो चीजें है हमारा, है ना, भविष्य का आविष्कार नहीं होता, हम जो रोज करते हैं उसे भविष्य बनता है, बस उस पे आप फोकस रहिए। बाकी आज के बाद ये नहीं बोलना है कि देखते आगे क्या होता है, अरे देखते हम देखते हैं, हम देखेंगे आगे क्या होता है, और वो अभी दिखना चाहिए। जो आपको दिखता नहीं है ना, वो आप अचीव नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिएगा। तो देखना स्टार्ट करें कॉन्फिडेंस के साथ जी। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। Okay, so need to leave in the meeting. Excuse me, who has a class? जिसका क्लास है वो पहले अपने आप को अनम्यूट करे। मैं चाहती हूँ कि कोई छूटना नहीं चाहिए। Let us invite next person, जानवी दुआ। मैम मैं चाहूंगी नीलेश लाखानी को पहले बुलाया जाए। नीलेश लाखानी, नीलेश ओवर टू यू। नीलेश आर यू देयर? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ। जी साढ़े सात सर, आज तो हम थोड़ा आपके मतलब इट्स अ प्रिविलेज टू टॉक ऑन अ वन टू वन बेसिस, और मैं चाहती हूँ हमारे सारे नए लोग आपसे इंटरेक्ट करें। नीलेश यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, हेल्प मी टू मेक इट लिटल फास्टर। यस, गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम अल्पेशी, मैं एकदम नया हूँ इसमें। जी जी जी, अभी 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 ज्वाइन किया है और सीधा कमांडो ट्रेनिंग में आ गया। एक्चुअली मेरा है ना, हाँ एक्चुअली मेरा बिजनेस बेकरी का बिजनेस है, और मैं कुछ करना चाहता था ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग में। तो जानवी जी जो हमारे लीडर है, तो उसने बताया, तो मैंने सोचा अभी इसमें ही मोदी केयर में किया जाए, नेटवर्क मार्केटिंग थीम मिल जाता है अपन को, कैसे करना रहता है नेटवर्क मार्केटिंग, कैसे लोगों से मिलना रहता है, कैसे एक्सप्लेन करना रहता है सब प्रोडक्ट का। तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड कमांडो ट्रेनिंग अभी मैंने जो किया है वो बहुत काफी अच्छा लगा मेरे को, बहुत नॉलेज मिला, ऐसे अच्छा था कमांडो ट्रेनिंग। जब आपको 6-12 महीने हो जाएंगे ना, तो आपको ये जो बिजनेस है ना, वो आपके बैंकिंग के बिजनेस को भी 5 गुना बढ़ा देगा, शायद ये आपको नहीं पता। अच्छा, तो ये पर्सनल प्रोफेशनल हर लाइफ के ऊपर सीधा इफेक्ट करता है और हर जगह पे बूस्टिंग डालता है। तो ये लोग ये समझते हैं, मैं नेटवर्क में आया तो मैंने नेटवर्क से क्या अर्न किया, तो जैसे मैंने 11 करोड़ किए या जगुआर की, तो वो मेरा अर्निंग नहीं है। नेटवर्किंग में आने के बाद मैं क्या सीखा और मैं क्या बना, अब जो मैं सीखा और बना वो तो मैं बेकरी स्टार्ट करूंगा तो भी अल्पेश के चर वही रहेगा। मैं अभी रिसोर्ट स्टार्ट करता हूँ करने वाला हूँ, तो रिसोर्ट जब मैं चालू करूंगा तो अल्पेश के चर तो यही रहेगा। लेकिन ये बनाया किसने, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग ने बनाया। एक्चुअली अगर आप मुझे 10 साल पहले मिलते तो पता नहीं मेरा क्या एटीट्यूड था, क्या रवैया था, क्या तरीका था, क्या सोचने का तरीका था। मुझे खुद पे मतलब हंसी आ रही है अगर आज सोच रहा हूं तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा काम करेगा। तो इससे जुड़े रहिएगा, सिर्फ नॉट इन टर्म्स ऑफ कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन साथ में मुझे अपने अंदर वैल्यूज ऐड करनी है, साथ में मुझे अपने आप को और बेहतर बनाना है, अपनी सोच को बेहतर बनाना है। और फिर आप देखिए, मैं सही में बोलता हूँ, 1 साल के बाद हम बात करेंगे कि अब बेकरी का बिजनेस कैसा चल रहा है। तो आज का टर्नओवर या 2021 का फाइनेंशियल ईयर आप नोट कर लीजिए, फिर हम 21-22 का अगेन बात करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बात सच थी। थैंक यू Thank you so much. Let us invite our next associate. I think unke applying ko bulane se pehle young team associate ko bulana chahungi. Kshitij Dikshit. Kshitij, over to you. Namaste sir. Good morning. Namaste Kshitij. Kaise ho? Aap aane wale the? Aake gaye Baroda? Yes sir. Acha acha. Call kiya tha aapne mujhe? Nahi sir. Maine actually message kiya tha. ऐसा लगा कि मैं सही में एक आर्मी के स्कूल में हूँ। सुबह 6 बजे उठकर बैठ के वीडियो ऑन करके कमांडो ट्रेनिंग सुनना है कंपलसरी, अगर नहीं सुना सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। मैंने ये ट्रेनिंग सुबह 6 बजे उठकर, मैं पढ़ा के नहीं उठता था कभी भी, पर इसके लिए मैंने 6 बजे उठा, कमांडो ट्रेनिंग अटेंड किया, और जैसा मेरा मैं जो भी सीखा परिवर्तन है, मैं हर बार परिवर्तन देखता था, फिर मेरे दिमाग में मुझे वो बैठ जाना चाहिए कि परिवर्तन का प्लान क्या है।
कोई भी पूछे मुझे रास्ते पे कि मोदी का क्या प्लान है, तो मैं उसको ऑन द स्पॉट बिना देख के पूरा प्लान समझा सकता हूँ। वो मेरा अभी पूरा दिमाग में बैठ गया है। और मेरा जो आप देख रहे हो पीछे फोटो में, मैं अभी डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि ये मेरी मर्सिडीज आने वाली है। मैं शोरूम में गया था लास्ट वीक फोटो खिंचाने, और 2024 में जब मैं 24 साल होगा तब ये मैं मर्सिडीज लेने वाला हूँ। आप सब इन्वाइटेड है इसके लिए, और आपकी सब मेरी मेहनत से और आपके सबके सपोर्ट से मैं अभी 3 साल में ही अहमदाबाद के यंगस्टर जीबीटी बनने वाला हूँ। थैंक यू। मैं सोचता हूँ आप इंडिया के यंगेस्ट टॉप अर्नर बन जाइए, है ना। जब आप 20 लाख रुपए कमाने लगोगे मेरी जगह पे आ जाओगे तो डेफिनेटली आप यंगेस्ट टॉप अर्नर रहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के। विश यू ऑल द बेस्ट। Thank you so much. Let us invite next person. Ma'am, want to invite Smita, ma'am. Okay, Smita ji, over to you, ma'am. You can be there. Over to you, Smita ji. Sir, hamara session khatam ho jane ke baad aap so jaiye. Smita. जैसे मुझे नया जीवन मिला है। मैं बहुत डरी डरी सी रहती थी, रुचि मैम ने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है, और आप सर आपने बहुत सिखाया कि बस लगे रहो डटे रहो। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ हो जाए लगे रहो डटे रहो, एक दिन तो रंग जरूर लाएगा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। आप भी अच्छा बोलने लगे हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जानवी मैम की दुआ है। जानवी मैम इज ऑलवेज इंस्पायरिंग एवरीवन। सो जानवी मैम को इनवाइट करने से पहले मैं एक और एसोसिएट को इनवाइट करना चाहती हूँ, उषा सिंह फ्रॉम लखनऊ। शी इज अ लाइफ कोच, एंड उषा एंड पंकज वंडरफुल कपल। उषा, ओवर टू यू। Yeah, hello. Very good morning, sir. Ji, very good morning. First of all, I'm really grateful ki mujhe ye platform mila, and I'm really grateful to Ruchi ma'am also. Sirf business ke purpose se hi nahi, but life mein bhi bahut achhi mentor hain, aur bahut acha lagta hai jab bhi main unse baat karti hu. I feel really refreshed. And abhi bhi actually network marketing mein agar bolu to bahut si cheeze unlearn karne ke liye baki hain. क्योंकि लर्निंग तो ठीक है, प्रोसेस चल ही रहा है, बट अभी तक 30 साल में जितना भी लर्न किया है वो अनलर्न करना जरूरी है, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमेशा आपको एक ही चीज सिखाई जाती है कि आपको एक बेहतर इम्प्लॉई कैसे बनना है, बट बेहतर बिजनेसमैन कैसे बनना है वो कभी नहीं सिखाया जाता। सो वो सब चीजें जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट स्टिल वी आर अपग्रेडिंग, और डे बाई डे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिल रहा है, और एक मोटिवेशन भी रहता है। So hopefully we will be in a topmost earner here with you all very soon. Wish you all the best. Thank you. Thank you so much. Let us invite Janvi Dua, electrifying effect. When she is there on the screen, everyone is happy and everyone is just charged. Janvi Dua, over to you, ma'am. थैंक यू मैम। यहाँ पे हम लोग कमांडो ट्रेनिंग के हिसाब से मिले हैं, तो पहले मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। हमें 6 दिन में, उसमें से 2 दिन मुझे इतने बढ़िया लगे। एक तो प्रोडक्ट कार्निवल अमेजिंग, मतलब हर किसी ने अपने प्रोडक्ट जो यूज किया है उसको फील करके जो बताया वो मुझे एक अच्छा लगा। दूसरा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे कि हमारे यहाँ पे मैंने देखा कि अजय सर हैं, बकुल सर, दे ऑल आर लाइक यू नो अमेजिंग। नीलम सर हैं तो हमारे लिए इतना सब कुछ, मतलब बिजनेस प्लान से लेके सब कुछ जो बताते हैं, जो उन्होंने ऐसे से मॉल खड़ा किया है, मतलब हमारे लिए हर चीज इतनी आसान बना दी है। बकुल सर ने जो 6x6 का प्लान बताया, मुझे इतना अच्छा लगा कि ये चीज हम कर सकते हैं, तो एनीबॉडी कैन डू। यहाँ पे मेरे साथ हमेशा, मैं जब जुड़ी ना तो रुचि मैम को मेरा कंप्लेन थोड़ा सा रहता था कि मैं आपके डीवी पे आके जब मीटिंग करती हूँ तो मेरे कोई लोग नहीं होते, मैं दूसरों को समझाती हूँ, फिर भी मुझे कभी कोई फीलिंग ऐसा नहीं आया कि मैं मतलब और किसी टीम या और किसी एसोसिएट्स को समझा रही हूँ, तो अच्छा लगता था। लेकिन उन्होंने बोला एक दिन जरूर जानी, तो आज मेरे कमांडो ट्रेनिंग में 8 लोग थे, तो आई एम सो हैप्पी कि जैसे अल्पेश सर ने कहा कि वो आपको 1 साल 2 साल देने होंगे, तो मेरे जब ये 2 साल हो गए तो
तो अब मुझे लगता है कि लोग मुझे सुन रहे हैं, लोग मुझे देखकर मुझसे जुड़ रहे हैं, और ये सर थैंक यू सो मच, आपके ब्लेसिंग्स बहुत काम कर रहे हैं, और मुझे एक फीलिंग आती है कि मेरा यूनिवर्स सुनील सर इज विथ मी, कुछ अलग ही है, आई डोंट नो, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहूंगी. थैंक यू. आप एक मिनट के लिए देवेन को तो बुला लो. सर वो आज गए हैं भरूच की ओर, बस उनका खाली एक प्रेजेंस था, बैठ कर गए क्योंकि उनको भरूच के लिए निकलना था, तो वो निकल गए. मेरा आवाज आ रहा है? आई डोंट नो. अल्पेश जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहते हैं तो मैं और ज्यादा बोलती रहूंगी. सर रुक जाइए, मुझे ही बोलने दीजिए. तो मैं और ये चीज कहना चाहती हूँ कि ऑन स्क्रीन जो कल मैंने सर को बहुत मैसेज फोन किए थे, सॉरी फॉर दैट, पर आज ऑन स्क्रीन आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए. मैं घर की दुकान का ओपनिंग कर रही हूँ, मैं आपको सबको इन्वाइट कर रही हूँ. संडे को 10:30 बजे मैं इनविटेशन कार्ड भी आपको भेज दूंगी, और मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं वो 50 लोगों का भी घर की दुकान खुलवा के उन सबको इंस्पायर करके सबको आगे लेके जा सकूं. विश यू ऑल द बेस्ट मैम. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. एक घर की दुकान का कॉन्सेप्ट हमने लॉन्च किया है, घर की दुकान का एक अलग से प्रेजेंटेशन बनाया. मैं आपको इन्विटेशन कार्ड और उसके एक प्रोसेस भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. ये घर की दुकान नजदीक वाले 10-15 लोगों के साथ और FB लाइव पे 300 लोगों के साथ खुलती है. 300 लोग वहाँ पे FB लाइव पे देखते हैं और 10-15 लोग घर की दुकान ओपनिंग करते हैं, जहाँ पे हम भी जूम मीटिंग में अटेंड करते हैं और सबको इंस्पायर करते हैं. सो दैट इज अ कॉन्सेप्ट वी हैव लॉन्च. मैं इन्वाइट करना चाहूंगी अ पावरफुल पर्सन. डेफिनेटली सर कुछ चीजें ऐसी होती है कि शुरू में नहीं दिखती है लेकिन धीरे धीरे सरफेस पे दिखने लगती है. उसमें से एक व्यक्ति है जो मेरे दिल से भी बहुत करीब है, बहुत इनोसेंटली अपनी लाइफ को जी रहे हैं, 3 बच्चे हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल यू दैट ड्रीम्स आर जस्ट यू नो बबलिंग इन दी आईज, आंखों में सपने चमक रहे हैं. प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट की नॉलेज की बात करें, डेडिकेशन की बात करें, बहुत पावरफुल है. और बस वो डर से निकल कर अब सरफेस पे आए हैं. तेजस्वी मालानी नागपुर से है, अहमदाबाद में बसते हैं. ओवर टू यू तेजस्वी, क्विक फास्ट. सबसे पहले तो थैंक यू मैम, आपके वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि आज मैं अपने आप से बाहर आई हूँ. जो मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा किचन, बस मेरी लाइफ इतनी ही थी, उससे मैं अब बाहर आई हूँ और आज मैं अल्पेश सर के सामने बात कर सकती हूँ. इसके लिए लिटरली थैंक यू मैम. और ये जो ट्रेनिंग थी ये बहुत अच्छी थी, इसमें वाकई में बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत मैंने अपने आप को भी इम्प्रूव किया है. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट तेजस्वी. थैंक यू सर. हमारे साथ एक और एसोसिएट है माउंट आबू गुजरात से, राजस्थान से, माउंट आबू जी राजस्थान. मनोज जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, सर आपसे बात करेंगे. तो मनोज जी, जैसे आपके कमांडोज होते हैं, मनोज जी पीटी करते हैं, सुबह सुबह में एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ पर भी हमारे कमांडोज हमारे साथ है. अ बिग डे फॉर यू मनोज जी, पहली बार आप अल्पेश जी के साथ बात कर रहे हैं. ओवर टू यू मनोज जी, अनम्यूट करिए अपने आप. हेलो जी, सुनाई दे रहा है मनोज जी? जी जैन सर. जय हिंद. जय हिंद. हाँ जी सर जी. अभी ये छह दिन की ट्रेनिंग में 2 दिन मिस हो गए थे मेरे सर, वो लड़के के चोट लग गई थी जी. बाकी इस मोदी केयर में बिल्कुल नया हूँ मैं जी. अभी तो जैसे हमारे कमांडो बिल्कुल फ्रेश आते हैं तो ऐसे ही है. अभी मेरे को भी 8-9 महीने अभी और लगेंगे मोदी केयर की ट्रेनिंग के लिए. जी, डेफिनेटली. हाँ जी. हाँ जी सर जी. सर सर का काम, मनोज जी का काम है वो CRPF के जवानों के लिए कैंटीन में खाना बनाते हैं और हमारे सारे प्रोडक्ट उनके कैंटीन में जाते हैं. और सारे कमांडो को जो रियल कमांडो हैं फ्रंट पे, उनके लिए बहुत सेवा करते हैं और अपनी लाइफ को भी एक नए अंदाज से जीने के लिए, पैसिव इनकम के लिए इस बिजनेस को परस्यू कर रहे हैं सर. चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट. और आप लोग देश के डिफेंस में हो तो आप तो हमारे लिए भगवान हो, तो गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो वेरी मच सर. सर सर जैन सर. मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिनका नाम है हिना परमार. जब हिना जी ने मॉर्निंग की बात की तो मैडम सुबह इतना जल्दी हम नहीं उठ सकते, वहां से शुरुआत हुई थी
और बाकी सबसे ज्यादा उन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की है, एक भी सेशन मिस नहीं किया, हिना परमार इन एसोसिएशन विद वैशाली चौहान मैम अमरेली से। हिना जी कुछ कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे 6 दिन में बहुत अच्छा लगा और मैं ज्यादा से ज्यादा सीखने कल वो जल्दी आ गया था। कल जल्दी आ गया था सुबह सुबह ना। हेलो। हाँ बोलिए हिना जी। हाँ मुझे 6 दिन में बहुत अच्छा लगा और परिवर्तन शुरुआत और सब मुझे बहुत अच्छा लगा सीखना। अभी तो मुझे बहुत सीखना है, बहुत बहुत ज्यादा सीखना है, बाद में मैं बस थैंक यू। बिल्कुल सीखना भी है और करना भी है, ये बात आप याद रखना। और मैं लाइफ में बहुत सारे लोग सालों तक सीखते रहते करते नहीं है, तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा सीखना आज है और करना भी आज ही है, दोनों चीज एक्शन भी साथ में होनी चाहिए जी। डेफिनेटली और आप बन जाओगे, डोंट वरी। ओके थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। मैं इनवाइट करना चाहूंगी निखिल राठौड़ को। निखिल आर यू देयर? निखिल एक यंग एंटरप्रेनर है, शुरुआत में थोड़े डरे डरे थे बट उनका अभी वाई क्लियर हो चुका है। निखिल आर यू देयर? निखिल राठौड़। एंड उसके बाद मैं इनवाइट करना चाहूंगी जो भी नीलेश नरेश सोलंकी जी के साथ एसोसिएटेड है, हर्ष राठौड़ एंड निखिल राठौड़, क्या आप दोनों स्क्रीन पर आ सकते हैं? हम 2 घंटे हो गए हैं सर। अब आप आते ही हो कब कम हमारे पास, आपका आपका समय ही हमें कम मिलता है, इसलिए हमने आपको सुबह बुलाया ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। जी जी। सो निखिल राठौड़ एंड हर्ष राठौड़ आर यू देयर? यस मैम। हाँ जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आप कुछ कहना चाहते हैं सर के साथ बात करना चाहते हैं? यस मैम। जी निखिल बोलिए। मैम सर आए मीटिंग में, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बेचारा अभी उठा निखिल भैया, बहुत नींद नहीं आ रही आपको? नहीं नींद नहीं आ रही है, वो आपने 2-4 बार बोला तो उन्होंने सुना और वो उठे जस्ट अभी। निखिल जी वेलकम, वो पता चलता है ना, कोई टेंशन नहीं, अच्छा लगता है मुझे, ये यही लोग नाम रोशन करेंगे आगे जाके। डन सर, आगे रुचि मैम। ओके सो मैम सोनल मैम, सोनल दीक्षित मैम। अच्छा सोनल दीक्षित मैम, आई थिंक सारे लोग कवर हो चुके हैं लेकिन फिर भी कोई छूट ना जाए मैं देख लेती हूँ। सोनल जी ओवर टू यू मैम। गुड मॉर्निंग, मैं सारे अपलाइन को नमस्ते करती हूँ, डाउनलाइन को गुड विशेस बोलती हूँ। कमांडो ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने को, वैसे वैसे भी जिनकी हमको ये उम्र तक कमांडो बना ही देती है सर, और ये सोने पे सुहागा जैसा होता है सर। ये 5 साल की जो योजना है, 5 साल मोदी कैड को देने का सर, जिंदगी में बहुत कुछ सब्जेक्ट में हम 5 साल देते हैं लेकिन ये 5 साल की जो जर्नी है माइंड टू मनी, मतलब माइंड सेट का ये है और मनी तक मनी सेट करा देती है 5 साल के बाद। लेकिन ये मुझे लगता है कि 5 साल में मिलियनेयर माइंड सेट करा देती है ये इंडस्ट्री। और सर ये सबसे बढ़िया ये है कि हम पूरे फैमिली के साथ करते तो ये फैमिली फन और फूड तीनों से मैं बहुत प्यार करती हूँ सर, और ये इसी का बिजनेस है बस सर। आपका आशीर्वाद और गाइडेंस हमको मिलते रहे सर, और आप सब हमारे साथ है सर, इसके लिए मैं सर आपका शुक्रिया करना चाहती हूँ सर, एंड थैंक यू सर। आपका चपाती का बिजनेस कैसा चल रहा है सर? वेरी गुड चलता है सर। अच्छा ओके ओके, ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू सो मच। एच महाजन, हरजीत महाजन, हरजीत आप हो यहाँ पर? हरजीत मैम चाहेंगे कि अगर आप अवेलेबल है तो 1 मिनट सर के साथ बात कर लें। आगे इजी देयर? यस गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आपसे आज पहली बार रूबरू मुलाकात हो रही है फोन थ्रू। जी मेरी तो मुलाकात ही नहीं हो रही है, आपका वीडियो ऑफ है
सर थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, आपकी हो रही है। और जी मैम ऐसा पंछी है जो अपनी खुद की पंखों में सबको लेकर चलती है जी। इस उनके आगे हम कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। तो अभी आपको सुन के ऐसा लगता है कि आपके आगे हम कुछ भी नहीं है। अरे तो मतलब आप दोनों सच में हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए बहुत ही प्रेरणा दे रहे हो। और आपका जो हमने वीडियो देखा है उससे बहुत कुछ हमें जानना मिला है। और रुचि मैम तो हमें लेकर ही चल रही है आगे, तो बहुत आगे जाने का सोचा है हमने। थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। यहाँ पर हिते सिंगल होम पीसी, आई डोंट नो क्या नाम है वो, कोई बात किसी को जानवी मैम किसी को नहीं छोड़ोगे, पता नहीं है तब भी नहीं छोड़ोगे। क्या गजब लोग हैं यार। सर कमांडो ट्रेनिंग चल रही है, हम अगर गलती से कोई रह जाएगा उसका दिल दुखेगा, वो मैं नहीं चाहती हूँ। वो सब अपने आप ओपन कर दे, आप सब ओपन कर लो। ये रोहिणी चौहान जी कहाँ है, उनके साथ बात हुई सर? सो आइए इन दी एंड एक और बात जाते जाते शेयर करना चाहती हूँ अर्पेश जी। मैम रशीदा मैम रह गई है। कौन? मैम रशीदा, रशीदा जी, रशीदा जी, रशीदा जी सर, इनको हम मिल लेते हैं, हमारे काफी करीबी सीनियर। आप लोगों को बुरा लगेगा इसलिए आप अपने आप ही माइक ओपन करके बात करना स्टार्ट कर दे, इतने शायद याद ना भी रहे। कोई बुरा मत लगाइए। रशीदा जी ओवर टू यू। सवाल ये होता है कि थोड़े अलर्ट नहीं होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, फिर उनके क्या हालात है हमें पता नहीं है, उनका वीडियो ऑफ है इसलिए हम ज्यादा प्रेशर नहीं करते। हाँ, मेरा बेटा जो है ना, मेरे बेटे की जो स्कूल होती है ना ऑनलाइन, वो चालू रख के सो जाता है इसलिए मुझे अभी पता चला ना। हम अपने घर में लाइव देखते, बोले पापा मैं बायजूस से पढ़ूंगा, इससे नहीं पढ़ूंगा। तो स्कूल का ऑनलाइन वो नहीं अटेंड करता, करके सो जाता है एकदम। मैम बोलते योग, यस मैम। yes. शिवानी श्रीवास्तव एंड रशीदा जी शायद है, लेकिन उनका ऑडियो म्यूट है और वीडियो भी बंद है। कंप्लीट करें मैम, अब कंप्लीट करें, कह रहे हैं जी सर। क्लोज करने से पहले एक और बात शेयर करना चाहूंगी, हमने डिसाइड किया है कि अगली कमांडो ट्रेनिंग हम रशीदा जी, यस आर यू देयर मैम, यू कैन अनम्यूट योर, यस बोलिए। हेलो रशीदा जी बोलिए। हाँ, जी मुझे अच्छा लग रहा है ये सब देखकर, और अटेंड करती हूँ। और मेरी दोस्ती जो सब सपने लेकर आए हैं, अल्लाह ताला उन सब के सपने पूरे करे और सब आगे जाए, तरक्की करे, बस मुझे यही कहना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके। सो सर 12 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आवर नेक्स्ट कमांडो ट्रेनिंग इज गोइंग टू स्टार्ट। सभी लोगों ने ये प्रण लिया है, अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है कि आने वाले कमांडो ट्रेनिंग में हर व्यक्ति अपने 10 नए लोगों को लेकर आएंगे। उन 10 लोगों को और कमांडो ट्रेनिंग में ट्रेन किया जाएगा। 200 लोगों के साथ हम अगला वर्कशॉप करने जा रहे हैं, 6 डेज कमांडो ट्रेनिंग। वंस अगेन सर आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, और कुछ और सजेशंस और गाइडेंस आपकी तरफ से होंगे तो वी विल बी एबल टू डू इट इवन मोर बेटर, जो हमने किया उससे हम बेहतर करना चाहते हैं। मैं बिल्कुल ट्राई करूंगा कि मैं भी अटेंड करूं उस कमांडो ट्रेनिंग को, और मैं भी कुछ हीरे तराश के मैं अपने जूली में ले लूं, ताकि मैं 1000 लोगों की कमांडो ट्रेनिंग करवाऊं उसके बाद, और उसमें आप ही लोगों में से कुछ लोगों को मैं सिलेक्ट करना चाहूंगा अगर आपकी परमिशन हो तो। जी डेफिनेटली सर, वी विल बी वेरी ग्लैड। प्रैक्टिस होती है एंड प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। मैं पूरे देश का भला करवाऊंगा आप लोगों के हाथों, आप टेंशन मत लो, है ना सर, हम सब आपकी झोली में ही है जी। और तो मुझे अटेंड करूंगा शायद, डेफिनेटली मैं अटेंड करूंगा मैम सुबह 6 बजे सारी, मैं कुछ करूंगा नहीं, बस देखूंगा मैं। तो अब मतलब एक ऐसा होता है कि जब एंड होता है तो एक पॉज, क्वाइट, एकदम पावरफुल एंडिंग होनी चाहिए। तो मैं इस एंड सेशन को एंड करने के लिए इनवाइट करना चाहूंगी वंस अगेन बकुल सर को एंड आरके को, जो बोले कि बस क्लोजिंग, बस बाबा जाओ, अब हो गया बहुत हो गया। सो ओवर टू आरके। मैं बीच में ऑडियो चालू रखा था और वीडियो को बंद किया था, बिकॉज आई वॉज चेंजिंग माई गियर। अभी रनिंग मोड में आ गया हूँ, अभी मैं रन के लिए जाने वाला हूँ, बिकॉज वो मैं मिस नहीं करना चाहता। ऑडियो सारा सुन रहा था, सारे लोगों को सुन रहा था, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो सीखा है अब बस बोलते हैं ना कि जैसे अभी अल्पेश जी बोल रहे थे, सीख तो बहुत लिया, अब उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है।
तो अब बस उसको इम्प्लीमेंट करना है जो कुछ सीखा है। और मैं तो इस 6x6 के मॉडल को, मतलब मैं इसको बहुत इजीली इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। ऐसे लोगों को बहुत आसानी से जोड़ा जा सकता है जिनको एक बोलते हैं 100 PV करो, 100 PV मतलब 6000 की शॉपिंग हो जाती है, 20 PV जैसे ही बोलते हैं तो 2000 की शॉपिंग है, अरे आराम से हो जाएगा। ये इसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड उसके बाद जब अहमदाबाद आऊंगा तो बकुल सर के लिए एक बुके लेके जाऊंगा कि उनका आइडिया था और जिसको हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। बट वेरी गुड ट्रेनिंग, लर्नड अ लॉट, थैंक यू। सो क्लोजिंग रिमार्क, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। बकुल सर इज नॉट देयर ऑन द स्क्रीन। दिस 6 days इज पावर पैक परफॉर्मेंस विद कमांडो ट्रेनिंग एंड दिस वॉज एन अमेजिंग डे विद अवर चीफ कमांडो मोदी केयर इंडिया स्मैक member who has helped so many people to achieve their dreams. Let us be a part of 1 lakh rupee income. मैं कमांडो कट करा के लाया था मैडम जी। सर थैंक यू सो मच। मैम अभी बंद कर जी, अल्पेश सर को बहुत नींद आ रही है, उनकी आंखें दिख रहा है। सर अब आप जाइए, अब आप जाइए, जानवी आपको छोड़ेगी नहीं। हेलो मैम, हम सबको जगाने के लिए आप आए हैं। नीलम सर को स्क्रीन पे ले आइए। नीलम सर को स्क्रीन पे ले आइए, नीलम सर रह गए। वो उनका ऐसा लगता है कि बैक एंड सपोर्ट ही बेहतर है। इज ऑन द स्क्रीन, देख लीजिए, रेड कलर का टी शर्ट पहना है, सुबह सुबह कमांडो रेडी है। हैव अ गुड डे एंड लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। लव यू मैम, लव यू।